gorgeous. Nupur Sharma, hello. Hello, hello. आ जाइए मेरे पास आ जाओ ठीक है. हे ब्रो. हाँ पहले ये प्रॉब्लम है इनका, ये सबको बोलेंगे हे ब्रो. यू नो फिर फिल्म और नहीं मिलेगी. ब्रो ब्रो मत कर किसी के साथ. एनीवे हाँ हे ब्रो. अच्छा फिल्म का नाम. एनीवे सो आप बताइए कि आपकी ये पहली फिल्म है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरी पहली फिल्म है, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. जब मैं ऑडिशन पे आई थी तो मुझे पता नहीं था कि ये फिल्म मुझे मिलने वाली है. और जब गणेश जी ने मुझे खुद फ़ोन किया शाम को कि नूपुर आप शॉर्टलिस्टेड हो, आपके साथ मूवी करना चाहेंगे हम, तो मैं बहुत खुश थी. और पूरी जर्नी मेरी मूवी में खुश थी. मूवी करके खुश नहीं रही, ऐसा क्यों है? मूवी करके और खुश हो गई मैं. अच्छा थैंक गॉड. तो एक्चुअली तो आप बताइए कि इनके साथ जो रोमांटिक सीन्स आपको करनी पड़ी, मतलब वो कहाँ से वो फीलिंग आई, कैसे आई इन? एक्चुअली एंडी रोमांस बहुत ज्यादा नहीं है. आपका कुछ सामान गिर गया. ये मेरा सामान. एक सेकंड मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको, फिर बाद में देख लेंगे. तो बताइए ये आप मूड में लग रहे थोड़े. अब नीचे क्यों देख ये लो. आप नीचे मत देखो, आंखों में आंखें डाल के. रोमांस की बातें होनी थी, रोमांस की. मैं मुझे ये बताओ कि देखो जब आप इनकी शक्ल में शक्ल को देखते हो तो आप रोमांटिक फीलिंग्स कैसे लेके आते हो? बड़ी अच्छी एक्टर है ये, है ना? नहीं ऐसा मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सॉरी. हाँ तो कैसे लेके आई वो फीलिंग्स? मैं सिर्फ इनकी आंखों में देख रही थी. अच्छा. इनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव. ओह एक्सप्रेशंस आंखों में. कहीं और से इन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे जब वो यू नो? जी वो अलाउड नहीं था हमारी मूवी में, वो फैमिली मूवी. कहां से? कहां से? एक सेकंड. सो होते हैं बहुत सारे एक्सप्रेशंस प्यार में. मैं यहां पे आपको सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको पूछने आया हूं कि कहां से आते हैं एक्सप्रेशंस, बताइए. आंखों से ही दिए. आंखों से. ठीक है ठीक है. तो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर हीरोइन हीरोइन. And now, next, I'd like to call up the villain. कहाँ है मेरा villain? ए villain? अरे ए ए आजा हनीफ आजा. ओ. So ये है हमारा villain. Villain. Hey bro, what's up? Hey bro. सबका bro बन गया. Damn. Anyway, तो villain आपने बहुत अच्छा काम किया है, heard? सही सुना. क्या ये rumor है या फिर सही है? नहीं सही है, और ऑडियंसेस भी देखेंगे जब पिक्चर आएगी. जब पिक्चर आएगी तो आपने मतलब क्या स्पेशल आप ये इवल यू नो तरीके कहाँ से लेके आते हो? जब कोई विलन बनता है तो मतलब वो ना जो बिल्कुल कमीनापन है वो कहाँ से आता है? आप तो शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगते. तो अच्छी बात है ना, दैट एक्चुअली प्रूव्स दैट आई एम अ गुड एक्टर, राइट? ओ देखो अपनी खुद की चढ़ाते जाओ खुद को. Anyway, no, I think you've done a really good job. I saw some scenes and I promise you कि ये जो evil इन्होंने दिखाई है, ये सच में evil इतने होंगे इसलिए ये सब निकल के आया है, मुझे पता चल गया. Don't worry. बहुत बहुत मारपीट हुई है और बहुत मारा है और बहुत पिटाई भी हुई है. सच में? जी जी. असलियत में या फिर फिल्म में? नहीं हम पहले से ही दोस्त हैं तो असलियत में तो नहीं मारेंगे. Buddies, we know each other for years, so it's been a pleasure. तो एक बन गया हीरो, एक बन खलनायक. फिल्म याद है ना आपको? तो ये हुई हमारी माधुरी, ये हुआ. I know, don't worry about it. But yeah, actually, I have to say, you're just as beautiful as Madhuri. And Madhuri ji, अगर आप देख रही हैं कि she's very beautiful. But I want to say that the next person who is very well known for being an amazing villain in his time, and I'm a great big fan. Yes, it is Prem. Prem Chopra, please put your hands together for Prem Chopra ji. तो सर आपकी मतलब आपके इंट्रोडक्शन भी आपके लिए हम क्या कहें, अगर आप इस फिल्म को रोशन कर रहे हो तो इसका मतलब इट्स गोना बी एन ऑसम फिल्म, क्योंकि जिस तरीके से आपने इतने अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दिए हैं शायद हम सब आपको ही देख के सीख सकते हैं कुछ. सो आप कुछ बताना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में, हे ब्रो के बारे में? आने तुमने ऑलरेडी बता दिया कि मैं कितना शरीफ आदमी. तो माही आपने एक फ्रेंडली अपीयरेंस किया है इस फिल्म में. मैंने एक बहुत ही कमाल का सॉन्ग किया इस फिल्म में जिसका नाम बुलबुल है. मैं मास्टर जी की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, उनके सारे गाने मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे आई थिंक दूसरी बार उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैं ये गवाना नहीं चाहती थी, तो मुझे था कि मैं ये गाना ज़रूर करूँ और बहुत ही कमाल का गाना है.
वो तो मैंने भी देखा है और मैं लाल लाल हो गया था देख के, बुलबुल के काफी रंग है बुलबुल के, ये तो सिर्फ एक पेन के हैं आज, पर फिल्म में आप माशाल्लाह देखेंगे हजारों रंग इनके, एंड इनके नखरे दांत तो मतलब किसी को भी घायल कर दें। बॉयज एम आई राइट? एब्सोल्युटली, मेरा गाना उनके साथ है, सो आई एग्री। देखा मेरा गाना तो इनका ही होगा ना? नहीं मतलब साथ में हम डांस करें। हाँ ठीक है चलो हो गया। अच्छा ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपने एक फैमिली फिल्म की है इस फिल्म में, और मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी आप एनिमी के साथ भी काम करते हो? हाँ मैं कर लेती हूँ, मैं दिल की सुनती हूँ, पंजाबी हूँ ना। अच्छा तो खड़ी पा बिल्कुल चक दे फटे, चलो चक देते हैं मिक्का जी, हले ना चक्की पर थोड़ी सबर कर, पर थैंक यू वेरी मच, दिस इज द कास्ट ऑफ हे ब्रो। देखो पर्दे के सामने तो हम बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं जो ऑब्वियसली खूबसूरती से अपना रोल निभाते हैं, हमारे दिलों को मतलब मस्त कर देते हैं अपनी एक्टिंग से, अपनी स्टारडम से, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मतलब पर्दे के पीछे अपना जादू दिखाते हैं, दिखाते हैं, दिखाते हैं और दिखाते ही रह जाते हैं पीछे, पर आज ऐसा नहीं होगा। आज आई वांट टू गेट हेलो तो अजय जी, जी आपकी ये फिल्म रखी, क्या इसमें हम क्या अलग देखेंगे? गणेश कचर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, एक्शन कर रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? यस आई थिंक ये एक मेन पॉइंट है, हम हमेशा उनको देखते हैं डांस करते हुए या फिर डांस कराते हुए, और आज ये मतलब हम देखेंगे इनको एक्ट करते हुए, एंड इन्होंने कैसे परफॉर्मेंसेस दी हैं आप बताइए। ये तो मेरे ख्याल से आप थ्रेटिकल देखेंगे, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए, मैं तो जब कर रहा था मैंने कर लिया। करेक्ट चलो अभी हम किसी एक स्पेशल लेडी को बुलाते हैं, आई थिंक प्रोड्यूसर जी क्या यहाँ पे विधि कार्य है? सच में गणेश जी बहुत लकी हैं। विधि जी आपने ये फिल्म प्रोड्यूस किया आपने? हाँ हाँ आप तो बोल सकती हैं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग, ये भी तो हमारी ब्यूटीफुल बुलबुल है, एक नहीं है दो दो है, और वो बिल्कुल कैद नहीं है क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर है फिल्म की, तो ये सबको कैद करवाती हैं। आप हाँ वो तो पता चल गया, तो इसलिए मैंने सुना कि आप बिग बॉस बहुत देखती थी पहले। अच्छा आलू बड़े कराए, वो तो देखना है कि कितने करारे निकलते हैं, पर आपके सबको करारे कर दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए अगर आलू बड़े कराए करना हो तो स्पेशल आपके लिए आलू बड़े करारे निकलिए, आलू बड़े करारे, आलू बड़े करारे निकलिए, आलू बड़े करारे, बिंदी चढ़ी चवारे निकलिए, बिंदी चढ़ी चवारे, गणेश राजा मारे निकलिए, गणेश राजा मारे, ओ की कहता है तेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्ल पेन छोड़ छाड़ के, तो शायद ऐसा ही कुछ गाना था, शायद आपके लिए बना था ये गाना। So, आपने ये जब फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे तो आपने जो कास्टिंग की मतलब ए टू जेड आपके ऊपर नजरअंदाज तो कुछ नहीं किया होगा, तो आप बताइए कि इसमें कितना कुछ आता है, मतलब हाउ मच डज इट गो इनटू मेकिंग अ मूवी लाइक दिस? बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे सेट को मैनेज करना है, कैसे कास्ट को मैनेज करना है, हीरोइन को या हीरोइन को सबका डायरेक्टर को भी नहीं डायरेक्टर फिर सबको मैनेज करता है, एक बार चूज कर लिया तो पूरी कास्ट क्रू को हैंडल करना पड़ता है, प्रेशर है। मनिंदर पहले हीरो बोला था, हैंडल करना पड़ता है, हीरो नहीं हीरोइन बोली थी। आई थिंक यू मस्ट, अच्छा नुपुर को प्यार ज्यादा मिला शायद, वो मेरी एकदम छोटी बहन जैसी हो गई, एकदम बहुत ज्यादा प्यार, माही जी के साथ मेरा बहुत है, बहुत ज्यादा सेट में इतना बाउंड हो गया हम लोगों का। अच्छा ठीक है, तो अगर माही जी के साथ भी प्यार है, नूपुर जी के साथ भी प्यार है, सबसे ज्यादा किसके साथ है? दोनों के साथ। There you go, producer, दे बोल दिया। इन्हें पहचाना आपने? पहचाना किसी देखे इनको? मुझे वैसे भी इतने ज्यादा पैसा नहीं मिल रहे, अगर मुझे ये मिल जाए तो मुझे वैसे मिल जाएंगे। पहचाना नहीं, मैं आपको पहचानूंगा आपको। हाँ मुझे नहीं, इन्हें नहीं, नहीं आपको गलत फहमी है, ये मैं हूँ लेकिन ये मैं नहीं हूँ। हाँ हूँ नहीं हूँ,
इसका मतलब ये मैं नहीं हूँ। तो ये कौन है? ये गोपी है। गोपी जो मैं हूँ। हाँ है? हाँ तो बेसिकली मैं यहाँ मेरा जुड़वा भाई ढूंढने आया हूँ। जो एक सेकंड बहुत ट्रबल हो जाएगा, ये तो मतलब डबल का डबल कहाँ आएगा? कोई है? है? प्लीज कहीं दिख रहा है? अच्छा इनका कोई हमशक्ल है यहाँ पे? प्लीज बता दो जल्दी से। हेलो कोई तो होगा। हेलो है, है? किसको नजर आ रहा है यहाँ पे? ये 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 आइए आइए। अरे ये तो योगेश सर लग रहे हैं। आइए आइए आइए। ये मेरे जुड़वा। अरे ये जुड़वा है? जुड़वा है ये मेरे जुड़वा है। योगेश सर आप इनके जुड़वा हो? नहीं सर मैं तो इनका हीरो का नजर है, मैं हीरो नहीं हूँ। आप हो कौन फिर? हाँ तो कौन है? कौन हो? ब्राइट होल्डिंग याद आया मुझे सर, इस पिक्चर के लिए 50 होल्डिंग कंफर्म। अब मैं कर रहा हूँ हेमरो के लिए 50 होल्डिंग प्लीज। अब कंफर्म करो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। नहीं नहीं कंफर्म करो। पेमेंट निकाल रहे करेंगे। अरे मिक्का भाई सौ, मिक्का जी के लिए सौ, मिक्का भाई के लिए सौ। मैं चाहता हूँ मिक्का प्लीज ऊपर आओ। मेरे भाई नहीं है ये, ये मेरे भाई को ढूंढा। अच्छा नहीं मैं सोच रहा कि ये सब इनके जुड़वा है। नहीं नहीं एंडी भाई क्या कैसे हो? मैं सोच रहा था मैं एंडी के लिए। नहीं नहीं बस करना अभी से बचाओ। हाँ सो ये आपके जुड़वा भाई तो नहीं है, तो ये कौन है? बैठो योगेश भाई। ब्राइट अभी जो होल्डिंग 50 होल्डिंग कंफर्म हो गए। हो गए आप तो है ना मीडिया यहाँ पे सबने देख लिया। बिल्कुल आप सब देख लेना, कुछ मेरा भी बैलेंस है वो भी क्लियर हो गया। जहाँ जिस गली जाएंगे हेप्रो के होल्डिंग हुए योगेश भाई ने दिए फ्री कॉस्ट। उदित सर आप इनके जुड़वा हैं? मैं बिल्कुल जुड़वा हूँ इनका, और जुड़वा हूँ इसलिए इस फिल्म का एक छोटा सा अट्रैक्शन। जोरदार ताली हमारे गणेश जी के लिए कि हेब्रो के ये गाने की लॉन्च है आज, और इनको और इनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हेब्रो सुपर डुपर हिट फिल्म हो। इस फिल्म में मुझे इन्होंने हिप हॉप गाने गवाए हैं जो कि मैं पहली बार गाया हूँ। एंड क्रेडिट गोज टू आचार्य जी एंड म्यूजिक डायरेक्टर नितिन सोनी जी। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू देम। बिल्कुल मेरी तरफ से भी गणेश भाई को उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे गाने हैं। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर ने मुझे याद किया कि आपने ये दो गाने गाने हैं जिनमें से गाना आप देखेंगे बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। नितिन सोनी ने बहुत अच्छा कंपोज करा, और बाकी मैं हनीफ को जानता हूँ, मेरा भाई यहाँ पे इज वेरी टैलेंटेड, यू नो हिम, इज अ वेरी गुड डांसर। माही इज सुपर हॉट, उसको सारे जानते, सारे मिलना चाहते माही से, मैं भी मिलना चाहता हूँ कभी। और नूपुर मनिंदर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे गाने हैं जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सो मैं अगेन एक बार जोरदार तालियां गणेश जी के लिए और इनके पूरी टीम के लिए। और ये डन हो गया सर, ठीक है? मेरा कुछ वायरस है वो प्लीज क्लियर हो जाएगा। बट थैंक यू वेरी मच ब्राइट एंड मीडिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, और मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला। मेरे से कोई भी गलती होगी हो तो आप हाथ जोड़ के मेरे से माफी मांग रहे हैं। प्लीज मुझे थोड़ा तो पता चल गया कि क्या क्या होने वाला है, पर जो आगे होने वाला है आप ही बता दीजिए, क्योंकि आपका एक कौन भाई है ना यहाँ पे? मेरे भाई है। हाँ तो वो कौन है भला? मेरे भाई नहीं, मेरे गॉड फादर, मेरे सब कुछ है वो, और मैं उनको बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। गोविंदा जी भैया प्लीज आइए। जहाँ से जिस वक्त मुझे मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, सोचा नहीं था वो इंस्टिंक्ट जो है
पॉजिटिवली में ऑलवेज वर्क करता है। वैसे लगा बड़ा भुला मासूम शरीर और अच्छा वो इसलिए है कि आदमी में भूल नहीं हो तो वो हीरो कभी बन नहीं सकता। और मेरे दिल से निकला कि मुझे ये हीरो बन गया है। इतने साल बाद उस वक्त जो मैंने सोचा था वो हो गया, हीरो बन गया। तुम्हें गलता से बहुत बहुत मेरी ऐसे शुभकामनाएं और ईश्वर आपको हर चीज जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके समक्ष आपको प्रदान करें, ये मेरे से प्रार्थना है। धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। माही माही थकी हुई है, इतना अच्छा अच्छा डांस करके आई है ना, तो ओके डोंट वरी। ओके एंड अजय चंदो डायरेक्टर प्लीज कैन वी हैव यू, गाना निकलेगा एवियस एंड प्रोड्यूसर विंसी आचार्या एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट प्रेम प्रेम चोपड़ा बोल दो बाबा भाग गया नहीं कंगन मिल गया कंगन मिला उसको आया जल्दी जल्दी पूछो यार फायर अवे क्या हो रहा है नहीं नहीं ओके इधर है एनीबडी फॉर क्वेश्चन इनको क्वेश्चन मीका के बाजू में उनका दर्द था करेक्ट गोविंदा जी दिखे नहीं गाने में तो वो वैसा सीन में आए बोले गाने में इतना से क्या करूंगा मतलब सीन करूंगा और बहुत ही जबरदस्त सीन किया उन्होंने। हम लोग का साथ में डायलॉग है कि शरीफ आदमी देखकर लंबी लंबी जोड़ो हाँ जी क्या हुआ भाई तुम्हें तकलीफ क्यों दे रहे हो क्या है आ रहा जा रहा है मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं था। जब ये गाना हम लोगों ने बनाया अजय ने मुझे कहा कि ये गाना है और निक सैनसोनी है और जब गाना बना तो कहा कि यार ये गाना बहुत बड़ा है अजय इसको किसी तरह कुछ करते हैं। मतलब एक ही चीज़ हो सकती है कि इंडस्ट्री मुझे बहुत प्यार करती है। मतलब मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ मतलब मैं तो भैया के सामने मतलब आया हूँ उन्होंने कितना सपोर्ट करके मुझे ऊपर लाया और आज भी मेरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर हूँ मैं के वैसे मैंने कहा अजय इसमें काम करते पहले तो सबसे पहले भैया को एक सीन हम लोग कराएं कैमियो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे को उनका आशीर्वाद है। फिर गाने में मैंने अमित जी से बात की फिर मैंने अक्षय से बात की ऋतिक से बात की अजय देवगन जी से बात की रणवीर से बात की प्रभुदेवा से बात की इस सबको मैंने कहा कि मुझे गाना करना है और मुझे आप लोग का उसमें सपोर्ट चाहिए बस मेरा कहना और उन्होंने यूं यूं करके मेरे को डेट दे दी और मैंने गाना किया। क्योंकि गाने में आप अगर देखेंगे तो हर किसी का पार्ट बहुत ही करेक्ट उनके उनके इमेज के हिसाब से रखा हुआ है तो ये उनका आशीर्वाद है इंडस्ट्री का आशीर्वाद है मुझे कि इतना प्यार जो आप गाने में देख रहे हैं मल्टी स्टार जो एक साथ वॉक करके आ रही अभी आज किसी भी आप मूवी में देख नहीं सकते जो मुझे उन्होंने प्यार दिया तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी अक्षय ऋतिक अजय रणवीर और प्रभु इनका सब ये तो एक थॉट है बेसिकली जो कैरेक्टर है कन्हैया जी लाला जी वो नेगेटिव रोल है उस फिल्म में और उनके हिसाब से हमने मतलब पूरा प्लान किया कि लाला तेरे बहुत नाटक और वो सब जो गाने में कॉन्सेप्ट है धोती खुल जाए वो सब तो वो कॉन्सेप्ट वही था कि कोई नया गाना करे क्योंकि आज म्यूजिक बहुत ही मायने देता है फिल्म में और एक हिप हॉप का ट्रैक बनाया हम लोगों ने जैसे पहले हम लोग निक सर हम लोग बैठ के गुनगुनाते गैंगस्टर रैप तो वहाँ से गाना बना और निक सैनसोनी एक बार घर पे थे कोई आ गया और बेल बजाया बेरुजू तो उस तरह करके हमने तोड़ उड़ के गाना बनाया है। गणेश आचार्य से मेरे सवाल है ट्रेलर में दिखाया कि आप अपना पैर किसी दूसरे के पैर पे रख देते वो चिल्लाता है आप बाजू वाले से पूछते हो चिल्ला क्यों रहा क्या रियल लाइफ में ऐसा कभी हुआ बहुत बार हुआ आ जाओ आ जाओ स्टेज पे आ जाओ स्टेज पे आ जाओ लेकिन बहुत बार हुआ कि मैं अभी आजकल जब चलता हूं ना तो सॉरी बोल देता हूं अंकल सॉरी ओ सॉरी
तो वो पाँव रख के मुझे पता ही नहीं बेचारे पे कब पाँव गिर गया, वो चिल्ला रहा है, मुझे चिल्ला क्यों रहा भाई, तो पता चलता पाँव है। रियल लाइफ में से बहुत बार होता है। गणेश जी यहाँ पर इंडस्ट्री के सबसे बड़े भाई सलमान भाई नहीं दिखे वीडियो में, आप उनके आप हे ब्रो 2 देखना चाहते हो? बट हे ब्रो 1 में तो लेके आए। नहीं हे ब्रो 2 देखना चाहते हो ना, तो सब खास उसमें रखे हैं मैंने। बेसिकली ये जब कहानी अजय मेरे पास लेके आए, सलीम साहब हमारे राइटर्स, उन्होंने कहा कि इस तरह से है कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक इतना हैवी वेट वाला इंसान है और उसका जुड़वा भाई जो इस तरह है, ये मेरा जुड़वा भाई है और एकदम एंग्री पुलिस वाला, तो बोला ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री में एक ही आदमी ऐसा है जो ऐसा है और एक ही है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। अजय ने मुझे बताया कि इस तरह से है और इसमें बहुत सारे कॉमेडी पंचेस है, जैसे कि मैं फिल्म में खाता बहुत हूँ, रियल लाइफ में बहुत खाता हूँ, इसलिए ऐसा नो प्रॉब्लम। तो यही एक कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, आपके इसमें एक्शन बताया गया कि एक्शन बहुत किया आपने, तो वो एक्शन हार्डकोर है या म्यूजिकल एक्शन है? जब डांस कर लेते तो एक्शन भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, अभी गॉड गिफ्ट हूँ बचपन से ऐसा हूँ, अल्कोहलिक नहीं रहा, वर्कोहलिक रहा, एकदम 8 साल से काम कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, जब चाह तो उठ के मैं पहले से ऐसा हूँ भैया, आपने देखा होगा जब कई फिल्म हम लोग की, मैं यहाँ से उछल के वहाँ जाता हूँ, मुझे भय होता है, गणेश तू कैसे चला गया उधर, अरे मैं चला गया। तो कोई ये नहीं है, अब्बास भाई है हमारे फाइट मास्टर, उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत ही मैनेज किया मेरे साथ कि किस तरह से मुझे मतलब उछल उछल के एक्शन कराया, तो मेरे लिए बहुत ही ईजी इसलिए था क्योंकि मैं डांस कर लेता हूँ, फ्लेक्सिबल बहुत हूँ, तो एक्शन आपने बचपन से ही काफी कम उम्र से आपने कोरियोग्राफी स्टार्ट की थी, आपने कभी सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगा इस तरह, वो भी लीड रोल में? पहली बात तो मैं कह दूं मैं लीड रोल में नहीं हूँ, लीड रोल में मनिंदर है और नूपुर है और अपने हनीफ है, मैं इसमें एक सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ, कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेरा भाई है इसमें, मेरे साथ कोई हीरोइन नहीं है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, भैया ने कह दिया बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं बहुत ही सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ, मेरा भाई है, मैं भाई को ढूंढने आया है ब्रो के अंदर, पूरी वही कहानी है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम खतक का गाना किया था मारा रे, वो गाना इतना चला, उसके बाद मैंने रोड का गाना किया तो लोग मुझे बहुत प्यार करने लगे, मैंने देखा कोरियोग्राफर में मैं ऐसा इंसान हूँ जहाँ पे मुझे आम इंसान चलते हुए कोई भी अरे वो, और मेरी सबसे ज्यादा पहचान हुई गोविंदा जी की वजह से, क्योंकि मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाता हूँ तो मुझे कहता अरे गोविंदा का डांस मास्टर जा रहा है, अरे गोविंदा का डांस मास्टर, तो मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं आज भी वही हूँ। और ये करते 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 मैंने फिर मेरे पास मैंने एक साउथ की फिल्म की नेगेटिव रोल किया, उसके बाद मैंने ABCD फिल्म की गोपी कैरेक्टर, वो बहुत पसंद किया बच्चों ने, तो उसके बाद अजय मेरे पास है, अजय ने कहा कि ये ऐसी स्क्रिप्ट है ये करना है, तो अजय मुझे हीरो नहीं करना है, मुझे कोई हीरोइन नहीं चाहिए, मेरे को सपोर्टिंग रोल है, स्क्रिप्ट लेके आता अजय लेके आया है ब्रो सुनाया और ये कहानी इसका, और बेसिकली ये पूरा एक जो मुझे प्यार करते हैं लोग बच्चे लोग उनके लिए है ब्रो ये। फिल्म में आपने फिल्म में आप फिल्मों के लिए बहुत अच्छी कोरियोग्राफी करते हैं, फिल्म में आपने एक्शन सीन भी किए हैं, तो एक्शन आप पर कितना भारी पड़ा? मैंने कहा ना बहुत इजी था, भारी नहीं था, मैं भारी हूँ एक्शन भारी नहीं था। नहीं क्योंकि ये फिल्म मैं कर रहा था, मुझे रिमो ने कहा कि करना है, तो मैंने डेफिनेटली कहा कि मुझे छोटा सा रोल कैमियो करा देना, तो ABCD में कैमियो किया हूँ मैंने छोटा सा रोल, क्योंकि इसलिए फिल्म करनी थी मुझे, और मैं बेसिकली एक्टिंग ज़्यादा नहीं करना चाहता, बता रहा हूँ मैं बहुत ही सिलेक्टेड काम करना चाहता हूँ, जो मुझे लगा कि मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट अच्छी मिली तो डेफिनेटली करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, फाइनली इजी पूछना प्लीज, यार मेरा पहला मौका है। मैं बहुत ड्रीमी एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला पहली बार तो कि कब मूवी शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई, मैं हर दिन फ़ोन करके बोलती थी जब इनकी शूटिंग चल रही होती थी हीरो की, जब हनीफ की शूटिंग चल रही होती थी, जब मास्टर जी की शूटिंग चल रही होती थी, मैं फ़ोन करके पूछती मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था घर पर, इतना अच्छा लगता था सेट पर, इतना फैमिली वाला माहौल था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे डायरेक्टर सर इतने चिल्ड आउट थे
कि जब भी मैं कुछ गलती करती थी तो मैं इनकी तरफ देखती थी, बोलते हो जाएगा। तो इतना अच्छा माहौल प्रोवाइड कराया है इन्होंने, तो मैं कहूँगी कि इससे अच्छा डेब्यू मुझे नहीं मिल सकता। आई डोंट थिंक सो। ओ बाप रे, मुझे अच्छा लगा, मुझे डांस अच्छा लगता है। और प्रोड्यूसर जी बहुत स्वीट है, शी इज टू क्यूट टू बी अ प्रोड्यूसर, आई ऑलवेज से। और हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, हम लोग सेट पे सिर्फ बातें करते थे, ये बाकी सबको नचाती थी बट मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छी रही है। जैसा कि उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं उनकी छोटी बहन की तरह हूँ, तो उन्होंने मुझे हमेशा वैसे ही कंसिडर किया है। एंड वेन एवर वी मीट वी टॉक अबाउट एवरी थिंग बट फिल्म, तो ये ऐसी बॉन्डिंग है हम लोगों की। कभी गणेश जी ने नचाया सर आपको? दरअसल मुझे डांस करने का शौक है, लेकिन जिस किस्म के मैं रोल करता था मुझे डांस करना मिलता ही नहीं था। और गणेश जी के साथ मैंने एक दो पिक्चरें की और इनको मैंने कहा यार कुछ हमारा भी कोई डांस वांस कर रख दो, कुछ कदम वदम करवा दो हमें, तो ही वॉज वेरी जनरस, तो इन्हें करवा दिया हमसे, डांस जरूर की है। और मैं इनका बहुत बड़ा फैन भी रहा हूँ, ना सिर्फ कोरियोग्राफर की हैसियत से बल्कि जब वो सेट पे जब डांस करते हुए लोगों को बताते हैं तो मैं कहता हूँ यार ऐसे वजन वाला आदमी इतना ग्रेसफुल डांस करता है, कमाल है, बहुत ही मुतासर हुआ था। बहुत बहुत गणेश जी आप भी यहाँ पर है, गोविंदा जी भी यहाँ पर है, तो एक स्टेज हो जाए। हो जाए। चीफ आदमी देखकर लंबी लंबी चले डांस 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 बिरजू 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 डांस कितना मचाओ सब बिरजू डांस बिरजू डांस बिरजू बिरजू डांस सर कौन है आ जाओ मत यार इधर म्यूजिक म्यूजिक एक फोटो कॉल के लिए। और उससे पहले आई जस्ट वांट टू थैंक पीवीआर सिनेमास एंड स्लैश प्रोडक्शन फॉर एन अमेजिंग नाइट। एंड लास्ट कॉल गाइस, एनी मोर फोटोज, दिस इज द लास्ट वन। गेंटा स्टार कास्ट, लेट्स हैव द स्टार कास्ट। हर तालियां मनिंदर और नुपुर के लिए। आई एम श्योर दोपहर का खाना खाया आप सबने। हाय नुपुर, हाय मनिंदर, हाय नुपुर। Hello, how are you doing, Tarun? अरे वाह, मेरे को लगा था मैं पहले पूछूंगा। I am good, how are you? I'm brilliant. पक्का? Yes, absolutely, very excited. Excited? Yes. Confident? Nervous? You tell me. Little nervous and more confidence is there, obviously. मैं वैनिटी में बैठी थी आराम से, फिर मुझे कॉल आया कि आपको सेट्स पे बुला। When I went on the sets, I went numb. इतना huge set. 500 dancers, 200 foreign dancers. I just went numb. और मैं सिर्फ थोड़ी देर तक देखती रही वहाँ पे। I stood still. And then there was a vague voice that came into my ears. That was heroine आ गई। So I, that was the time when I realized that I'm doing a film and I am playing the heroine, the lead. And then I realized what responsibility there on my shoulders. Yes. Yes. और उसके बाद आई जस्ट रियलाइज कि वहाँ पे जो भी 500 डांसर्स जो थे और जो 200 फॉरेन डांसर्स थे वो सब लोग मेरे लिए खड़े थे वहाँ पर उस दिन। Fantastic. और कैमरा उस दिन मेरे लिए रोल होना था। Fantastic. Fantastic. Yes. That's great. I can understand what you're saying. Yes, absolutely. हमारा हैंडसम हंग पंजाबी मुंडा मनिंदर सिंह। ओए मनिंदर, दसो जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आई मीन वी नो 2007 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने गणेश जी के साथ एक फिल्म की थी स्वामी। बहुत ही अलग फिल्म थी ये, बहुत ही अलग फिल्म है, एक बहुत ही लंबा इंटरेक्शन उनके साथ करीबन 7-7.5 साल का। टोटली। सो आई थिंक ही इज मोर ऑफ अ मेंटर, अ गॉडफादर टू यू। यस आई टोटली अग्री, बिकॉज़ उन्होंने ही मेरे को मुझे पहला ब्रेक दिया था स्वामी में,
और मेरी जो ये इनिंग स्टार्ट हुई है वो 2007 में स्वामी से हुई, और उसके बाद मैंने फिर आशुतोष गोवारिकर की खेले एम जी जान से की, आई डिड सम टेलीविजन शोज, आई वाज डूइंग सीआईडी आल्सो 26-12, और उसके बाद फाइनली जब क्या होता है आप जब बॉम्बे आते हो ना, आप इस सपने से आते हो कि मुझे हीरो बनना है, मुझे डांस करना है, मुझे एक्शन करना है, तो अभी तक मैं वेट कर रहा था उस चीज का. इस फिल्म में फाइनली मुझे वो चांस मिला है. यस, व्हेन आई एम रोमांसिंग अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू नो आई एम आई हैव अ फुल फ्लेज्ड हीरो एंट्री इन द फिल्म विद फुल एक्शन, एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड. Really? I mean, of course, both of you are looking very good. When I see, no, seriously, you two are good looking. यार लॉन्डो को बोलना पड़ता है. हमें बोलना पड़ता है. हमें कोई नहीं बोलता, इन्हीं की तारीफ होती है. ये सारी कोई नहीं बोलता. आपके लिए खड़ी है. हमें कोई नहीं देख रहा. सब आपको देख रहे हैं. Yes. हाँ, हम तो बस ऐसे ही हमें टाइम के लिए देख रहे हैं. मेन अट्रैक्शन तो यही है. रुकावट के लिए खेल रहे हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. So now, since you've got this full fresh role, एक proper Bollywood film, and with such a good banner, मतलब ऐसा लॉन्च जिसमें 500 का क्राउड और इतने डांसर्स, यू गेट इन यू नो यशराज फिल्म और धर्मा प्रोडक्शंस, लेकिन यहाँ पर गणेश जी के प्रोडक्शन में, पीकेसी प्रोडक्शन में, आई मीन इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, लिटरली फैमिली इज ऑल एक्साइटेड, फ्रेंड्स आर ऑल एक्साइटेड, एवरीवन इज वेटिंग. मतलब अब तक का जो फीडबैक है फ्रॉम द ट्रेलर, फ्रॉम द सॉन्ग गाना बजा दे टू बिरजू, इट्स बीन ओवरवेलमिंग. मतलब तो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ लव. आई वुड लाइक टू ऐड दिस दैट दिस इज माय डेब्यू मूवी. तो मैं इस मूवी को एक्चुअली कस्टम मेड कहती हूँ, क्योंकि जिन भी लोगों के साथ मैं काम करना चाहती थी वो सब इस मूवी में हैं. गोविंदा जी कैमियो कर रहे हैं, बिरजू सॉन्ग में आप जानते हैं कौन कौन है, प्लस गणेश जी के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. तो ये मेरा ड्रीम डेब्यू है. तो एक कस्टम मेड फिल्म मेरे एक डोर स्टेप पे आई है, और इट्स अ गिफ्ट टू मी, आई वुड से. यू आर वेरी लकी. इनफैक्ट मैं बिरजू गाने के बारे में जो ऑलरेडी इतना सुपर हिट हो चुका है दोस्तों, जब मैंने उसको पहली बार देखा, हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये है क्या. मतलब ये 200 करोड़ की फिल्म अपने आप बन रही है या व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बट वी विल कम टू दैट बैक लेटर. सो क्या करते हैं कि हीरो यहाँ पर है, हीरोइन भी यहाँ पर है, डीजे यहाँ पर है. सो आई थिंक मैं अपनी बकबक थोड़ी कम करता हूँ, और एक बार डीजे मेरा गाना बजा दे, हो जाए थोड़ा सा. डीजे मेरा गाना बजा दे. The producers, जिनके कारण ये सब यहाँ खड़े होते हैं, जो इस टीम में अपना फेथ जताती है, एक स्क्रिप्ट पे ट्रस्ट करती है, एंड वी इन्वेस्ट सो मच मनी इन दैट, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. तो दोस्तों मैं बुलाना चाहता हूँ हमारी प्रोड्यूसर विधि आचार्य जी को, और हमारे को प्रोड्यूसर मिस्टर जिग्नेश हिरानी. विधि जी, जिग्नेश जी प्लीज कम ऑन द स्टेज. जिग्नेश भाई, तो दोस्तों अभी एक मस्त डांस परफॉर्मेंस हुआ था, अब हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी बहुत जानना चाहेंगे कि व्हाट गोज इनटू मेकिंग ऑफ अ फिल्म, किस इमोशन से ये लोग गुजरते हैं, कितनी मेहनत होती है, शायद साल, डेढ़ साल, दो साल लग जाता है एक फिल्म को आपके थिएटर में पहुंचने तक. यस, ऑल गुड ब्रो. नेट्स टेल मी अबाउट दिस एक्सपीरियंस गणेश जी के साथ, ये फिल्म, ये म्यूजिक जो इतना सुपरहिट हो चुका है, और एक ऐसा वीडियो जिसमें मतलब कौन नहीं है हमारी बॉलीवुड का यार, फ्रॉम अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, रणवीर, मतलब सबके फैंस यहाँ खड़े हुए हैं, राइट? सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. टेल मी समथिंग अबाउट दिस. एंड व्हेन गणेश आचार्य इज देयर एट द हेल्म, द सेंटर ऑफ द गुरु प्रोजेक्ट, सो आई डोंट थिंक ऑल ऑफ दिस वाज इम्पॉसिबल. फैंटास्टिक. 7,000 गाने किए उन्होंने, तो उसके बाद इंडस्ट्री में इतना प्यार मिला है उनको, तो दिग्गज हैं वो एक. जी हाँ, इतने आर्टिस्ट आप देख रहे हैं हमारे उस गाने पे, तो वो उन लोगों का प्यार है मास्टर जी के लिए, और ये मास्टर जी का आशीर्वाद है कि हम लोग, क्या बात, लोगों ने ये उनका विश्वास है आप पर, ही हैज फेथ, जो उन्होंने आपको अपनी फिल्मों में रिपीट किया है, तो ही लाइक्स यू अ लॉट आई गेस. वी हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप. एंड सोनी, व्हाट डू यू हैव टू से फिल्म के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है जितना हमने देखा है, और सबको जरूर जाके देखना चाहिए ये 27 को जब ये रिलीज हो रही है. और फुल ऑन और फुल धमाल फिल्म है, बहुत मजा आएगा सबको, फुल फैमिली एंटरटेनर, और
बहुत ही अच्छे गाने हैं, आप सुन ही रहे होंगे, अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन करते हुए देखेंगे आप। Guys, that is something to look out for. Ganesh ji punching. Good, good. And flying. मतलब कमाल होने वाला है इस फिल्म में. संजीव एक बार बोलना प्लीज. Hi everyone. Yay! नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये ना हमारे सेट्स पर ना एक बड़ा मस्ती होती थी. हेलो हेलो. संजीव इज अ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ही मतलब ठहराव वाला बंदा है हमारा. तो ये जब हाय एवरीवन बोलता है ना तो पूरे 100-150 लोगों का यूनिट once more बोलता था संजीव. once more जी. हाय एवरीवन, हे ब्रो, दैट्स द स्पिरिट. राहुल, आप लोग गणेश जी के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 10 साल से हैं, और गणेश जी की खुद की फिल्म होते हुए ही हैज ट्रस्टेड यू गाइस. उन्होंने पूरा कोरियोग्राफी का दारोमदार आप दोनों के ऊपर छोड़ दिया. करेक्ट. आपको ब्रेक दी है. जरूर. सॉलिड प्रेशर होगा कि गुरु देख रहा है, गुरु को ही नचाना है. प्रेशर कुकर था. प्रेशर नहीं था, प्रेशर कुकर था. बैंड बजी होगी ना सॉलिड. बहुत 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 बहुत. बट हमारे लिए बहुत लाइफ लॉन्ग मेमोरेबल मोमेंट है ये, बिकॉज लाइक हमारा ड्रीम कम ट्रू हुआ, बिकॉज हैज ए गुरु को अपने कोरियोग्राफी से डांस करना और उनको खुश करना, उनको सेटिस्फाई करना. Correct. वो चैलेंजिंग था, बट एक्चुअली मतलब वी आर रेडी फॉर दैट चैलेंज. और काफ़ी मास्टर जी ने काफ़ी सपोर्ट किया और शायद खड़े उतरे हम लोग. गुड. या नहीं, आई मस्ट विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि थैंक यू. ये जो मौका मिला है ना अपने गुरु को कोरियोग्राफ करने का, जी मुझे नहीं पता शायद अब एक जिंदगी में कितने लोगों को ऐसा मौका मिलता है. जी हमेशा चेले बोलते ना, हमेशा चेले होते जो गुरु दक्षिणा देते. यस. पर ये ऑपोजिट हो गया, गुरु ने हम लोगों को गुरु दक्षिणा दिया. फैंटास्टिक. जस्ट वांट टू से प्लीज वॉच हे ब्रो ऑन 20. हे ब्रो सब लोग जाग रहे हो ना. वन और ओ ही देयर. ग्रेट. सर आप शुरू कीजिए, कैसा था ये सफर? सफर बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया. गणेश जी का काम करते हुए मनिंदर, हनीफ, नुपुर, एवरीवन, मेरे ख्याल से सबने सब कुछ बोल दिया अभी तक. करेक्ट. और मुझे एक ही चीज बोलनी है, 27 तारीख को जाके हे ब्रो देखिए. फैंटास्टिक. दोस्तों गांठ बांध रहे हो ना ये बात को? हाँ. अरे यार क्या है, कुछ कॉफी वॉफी नहीं पी क्या 5 बजे वाली? नहीं, अभी इनको एक और परफॉर्मेंस दिखाएंगे. एग्जैक्टली. मैम क्विकली कमिंग टू यू, एक नई टीम थी, एक फ्रेश टीम थी. मनिंदर इज न्यू एंड यंग एंड फ्रेश, सेम इज विद नुपुर. मुझे डरना चाहिए? नहीं. थैंक यू सो मच. सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म, और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस हो. मैं यही बोलना चाहूंगी सबको, 27 फेब को जाइए और आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि हमने बहुत ही प्यारी पिक्चर बनाई है. और आप जब पिक्चर देखते हुए बाहर निकलोगे आप हंसते हुए बाहर आओगे. क्या बात है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. और मेरी अब एक दोबारा कोशिश रहेगी. हे ब्रो व्हाट्स अप. थैंक यू तरुण, दैट वाज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. हाय एवरीवन, गुड टू सी यू. हाय गाइस कम ऑन. नहीं ठीक है, इतना भी इंटरेक्शन जागो ना यार, जागो ना. हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में कितना चिल्लाते हो? हाँ चिल्लाएंगे. गणेश सर का डांस हो गया? नहीं अभी तो होना है, तो फिर चिल्लाएंगे. बहुत शोर शराबा होने वाला है यार. गाइस स्टिल वार्मिंग अप. हनीफ, कांग्रेचुलेशंस इस फिल्म के लिए. मैंने प्रोमोस देखे हैं, यू आर लुकिंग वेरी गुड. थैंक यू. सुपर फिट एक्टर, ऑसम लुकिंग गाय. मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है. ऑल क्रेडिट, आई एम गोइंग टू कट यू शॉर्ट. ऑल क्रेडिट टू टू पीपल, गणेश आचार्य एंड द डायरेक्टर अजय चंडोक. फैंटास्टिक. इट्स ऑलवेज, उनके ऊपर छोड़ दो, उन्होंने ट्रस्ट किया है तो छोड़ दो उनके ऊपर. मतलब शक्ल सी रहे तो नॉर्मल है, आप में सब वी ऑल नॉर्मल लुकिंग डिसेंट पीपल, यू नो. एब्सोल्युटली. टू मेक अस लुक लार्जर देन लाइफ. यस, दोस टू जेंटलमैन हैव डन दैट. फैंटास्टिक. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली जब एक फिल्म में एंटी हीरो की या विलन की एंट्री होती है, हम कोई भी बिग ब्लॉकबस्टर उठा के देख लें तो डिशुम से होती है, राइट? जी. मुझे पता चला है कि आपकी बहुत ही नाचने गाने वाली एंट्री हुई है इस फिल्म में, राइट? कमाल की एंट्री है. और इनफैक्ट मनिंदर को अच्छी टक्कर दे रहा है एंट्री. नहीं, डेफिनेटली. और दोस्तों, नाउ अनदर वेरी गॉर्जियस, वेरी ग्लैमरस सरप्राइज. हनीफ की एंट्री एक बहुत ही प्यारे से गाने पे हुई है, जिसको हिमेश जी ने गाया है श्रेया घोषाल के साथ. और
उस गाने को चार चांद लगाया है द वेरी ग्लैमरस माही गिल. Hi Mahi ji, thank you for coming. Thank All you for coming. Mahi. Yes. Hi. Hi, how are you? Good, good. Good evening everybody. Woo! Yaar hi to bolo yaar, ek courtesy hoti hai. Jab ek sundar nari hi hello bole, you have to reciprocate. Inko sirf hans rahe hai. Aise hanste hanste 27 November ko theater mein bhi ghusiyega. Hey bro dekhne ke liye. Bilkul. Hey hansi hase. Chinnamma wave. A wave is also more than enough. I don't expect them to break their throats, you know, screaming. Fantastic. Mai ji, I would personally, puri team ke behalf par, aapko thanks kehna chahta hu because friends, honestly, Mahi ji is not feeling well. Unko fever hai, she's running viral. Lekin, halaki is film mein aur is gaane mein ki sirf ek friendly appearance hai. She said ki nahi, main film ko promote karne zarur aaungi. Thank you so much, Mai ji. Isliye main chahti hu. मेरा बुखार बिल्कुल उतर जाएगा अगर आप सब लोग 27 नवंबर को हे ब्रो देखने के लिए जाएंगे तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज 27 नवंबर को सारी फिल्म छोड़ के सिर्फ हमारी फिल्म हे ब्रो देखने जानी है पहले Fantastic. उसके बाद जो मर्जी देखिएगा फैंटास्टिक 27 फेब सॉरी माय जी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन द सॉन्ग विद हनीफ ऑसम हनीफ बहुत अच्छे डांसर हैं yes. और हमारे कोरियोग्राफर्स भी हैं यहाँ पर मैं एक बार चाहती हूँ उनको बुलाया जाए प्लीज कम हियर संजीव एंड राहुल माही मैम वांट्स यू ऑन स्टेज प्लीज संजीव एंड राहुल के साथ मैंने ये पहला गाना किया है पहली बार और बुलबुल गाना है बहुत ही ज्यादा मैं नर्वस थी क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट डांस था लेकिन दे मेड इट वेरी इजी फॉर मी थैंक यू सो मच ये मेरे गुरु हैं Fantastic. Now, I mean, it must have been an awesome experience. You are a fantastic dancer. Hanif, as we all yes, know, is brilliant. Yeah. As brilliant. Great. So, I would not like to keep you for a longer time because I know you're not well. But Hanif, Bulbul ki tabiyat thodi kharab hai. Lekin main chahunga ki aap kuch kar dein thoda sa. Ho jaye? Yes, Hanif, aap kariyega. Main aapke saath khadi hoon. Perfect, Mai. This one is for you. Okay. This is for you. Okay. Thoda dance kar lu. Chalega. Dekhna hai. थोड़ा सा वेव करके थम्स अप तो दे दो तो मुझे पता चले कि करना है कि नहीं रॉक ऑन चलो डन डील गाना है सुना आपने नाच मेरी बुलबुल चलो ठीक है जिसने नहीं सुना है फर्स्ट टाइम सुनो उसके बाद जाके डाउनलोड करो और यूट्यूब पे वीडियो देखो और 27 को डेफिनेटली थिएटर में जाके देखना Hey bro. Hello. आवाज आवाज कहाँ है? आवाज कहाँ है? Woo! अभी अभी प्रिंसिपल आया ना स्कूल का टीचर आ रहे थे तो कुछ नहीं अभी प्रिंसिपल आया हाँ? Hey bro. Woo! 27 फेब को मतलब इस फ्राइडे को फिल्म रिलीज हो रही है और आप लोग सब देखने जाओगे हाँ या ना हाँ या ना प्रॉमिस ओके सबने तो बहुत कुछ बोल दिया इन्होंने तो बहुत कुछ बोल दिया तो मैं क्या बोलूं मैं थोड़ा बहुत डांस कर लूंगा आप लोग के लिए चलेगा चलेगा जोर से कौन सा डांस बिरजू बिरजू हाँ या ना ऊपर से आवाज आनी चाहिए ऊपर से अरे बोल दे भाई ये मौका दोबारा नहीं आता कसम से बिरजू कम ऑन बॉयज आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा मैं डांस कर रहा हूं आप लोग के लिए ये एकदम फ्री चार्ज है इसके पैसे नहीं है
आई ना रेड बुल जैसी शक्ति आप सबके अंदर। लेकिन गणेश जी मैं आपसे एक, उदय जी बिल्कुल एक सवाल मैं आपसे लास्ट पूछना चाहता हूं कि जब हमने इसका म्यूजिक वीडियो देखा सर तो आंखें गिर गई सर। अमित जी, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, गोविंदा जी, अजय देवगन, आई मीन यू नेम इट, अक्षय कुमार। तो सर जब ऐसे फिल्म बनानी होती है तो डेट्स नहीं मिलती हैं, ये कैसे हुआ? मतलब एक दिन में गाना तो हो नहीं पाया होगा, महीना गया होगा इसमें। आप लोग मुझे प्यार करते हो, गणेश आचार्य को प्यार करते हो, तो ये भी सब गणेश आचार्य को प्यार करते हैं। कई साल इंडस्ट्री में कोरियोग्राफर रहने के बाद इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। और एक बात जरूर कहूंगा कि इसके अलावा मैं उदित जो गाना गाया है, उदित नारायण जी हमारे बीच में है जिन्होंने बिरजू गाना गाया है, मैं उदित जी को बुलाऊंगा स्टेज पे, प्लीज क्लैप। उदित जी अप्लॉज प्लीज। उदित नारायण जी, बिरजू तू आएगा बिटवा। सर ये चाहने वाले कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, मीडिया कितना चाहती है आपको, भी वेट कर रहे हैं। सर दो बात, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हे ब्रो के इस गाने के लिए मैं हमारे गणेश आचार्य जी का धन्यवाद देता हूं और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि गणेश जी ने मुझे, इतने सालों से मैं आप लोगों को इंटरटेन करता आ रहा हूं, लेकिन इन्होंने ऐसा गाना दिया कि आप सब लोगों के दिलों में बिरजू 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 छाया हुआ है। बस आप दुआ करिए कि फिल्म भी सुपरहिट हो और म्यूजिक तो आपके दिलों में छा जाए। मेरी भी शुभकामनाएं हैं गणेश जी के साथ। 27 फरवरी को रिलीज है और यही फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे में रिलीज है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग देखेंगे, मजा लेंगे, म्यूजिक का भरपूर आनंद लेंगे और पिक्चर को सुपरहिट बनाएंगे। बिरजू तू आएगा बिटवा, ला ला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे, ए ला ला। ये हमारे नितिन जी हैं, सोनी जी हैं और राहुल प्रणव जी हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत। 27 फेब को अपने बच्चों के साथ अगर जिसके बच्चे नहीं उनके साथ भी जाओ। थैंक यू उदित जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जिग्नेश, उदित जी, अजय, हनीफ, नुपुर, नितिन, सोनी, मीडिया, ऑडियंस, थैंक यू, बाय बाय। मनिंदर मस्ती है, डायलॉग उसमें सिर्फ एक कि बिरजू तू आएगा बिटो, लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे। सर फिल्म का फिल्म कैसी है, फिल्म मैंने नहीं बनाई है, फिल्म मेरे डायरेक्टर अजय ने बनाई है और मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ और हमारे डायरेक्टर्स यार ये आपको बताएंगे एग्जैक्ट क्या कैसे फिल्म बनाई है। पिक्चर बहुत जी सर, नॉर्मली आपने डबल रोल क्या देखा है, एक जैसे शक्ल, एक जगह हाइट, एक जगह वेट, ये देखिए एक ये है और एक ये, कहाँ से मिलते टिश तो ये सबसे बड़ा है मैं मास्टर जी की बहुत ही बड़ी फैन हूँ, सबसे बड़ी, आई एम वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद देम। और जब मुझे पता चला कि ये फिल्म बन रही है तो ऑब्वियसली मास्टर जी ने मुझे एक कॉल किया कि माई तुम वो गाना करोगी, मैंने बिना सुने मैंने बोला मैं करूँगी, मतलब मुझे जैसे भी गाना देगी मैंने हमेशा काम करूँगी। एंड इतनी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, 7-8 दिन रिहर्सल की,
फिर गाना शूट किया. मेरे लिए मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग रहा है ये, और कमाल का गाना है. एंड पूरी टीम बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी है. सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, कोरियोग्राफर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे साथ ही बहुत अच्छे. तो आई थिंक होल टीम का एफर्ट बहुत इंटरेस्टिंग था और अच्छा था, और गाना कमाल आया. सारे गाने बहुत अच्छे इस फिल्म के. मैं कहूँगा माही ने रियल फ्रेंडशिप निभाई है आप. मैंने कहा माही गाना करना है, फ्रेंडली अपेज में करना है, गाना करना है, तो माही ने गाना सुना भी नहीं. हाँ. और कुछ भी नहीं कहा, कोई रेमुनेशन नहीं, कुछ भी नहीं. एकदम 7-8 दिन रिहर्सल किए, 6-7 दिन गाना किया, बहुत ही मेहनत किए. थैंक यू माही. थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द सॉन्ग. उल्टा मुझे आपको थैंक यू थैंक्स करना चाहिए. आपने दोस्ती काफी लोगों ने निभाई, अमिताभ बच्चन साहब ने निभाई, रणवीर अमित जी ने आशीर्वाद दिया है दोस्ती में. हाँ, अक्षय कुमार ने निभाई है, अजय देवगन है, ऋतिक रोशन है, रणवीर सिंह है, प्रभु देवा है, ये सबने दोस्ती निभाई. गोविंदा जी मेरे भाई है, उन्होंने निभाई है. बहुत सारे सिंगर हैं, हिमेश रेशमिया है, उदित जी ने निभाई है. फिर अली जाफर एक्टर है, और सुनील निगम है, मिक्का है, सबने बहुत प्यार किया इस फिल्म में, बहुत प्यार दिया. क्या मैसेज दे पाएगी ये सोसाइटी आपका? मैं यही बोलूँगा, बहुत दिनों से आपने एक फैमिली एंटरटेनिंग बच्चों के लिए फिल्म नहीं देखी है, तो ये आपको देखने मिलेगी. हे ब्रो जो 27 तारीख को रिलीज हो रही है, ये पूरी फैमिली वाली फिल्म है, बच्चों के साथ देखने वाली फिल्म है. हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की. नुपुर नए हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मनिंदर स्वामी में था, हनीफ को डेब्यू कर रहे हैं, और मैं डायरेक्टर जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरी वाइफ डेब्यू कर रही है, इधर प्रोड्यूसर विद्याचार्य माही है. तो हम लोगों ने बहुत मेहनत से पिक्चर बनाई है. हम लोग छोटे हैं, छोटे में बड़ा पैकेज है फिल्म का. प्लीज जाके देखिए, बहुत मजा आएगा आपको. आपसे जानना चाहूँगा, पहला रिएक्शन क्या? बहुत ही अच्छा था. जब अजय जी ने मुझे बोला कि एक स्क्रिप्ट है हमारे पास, तो मैंने सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी. जब उन्होंने बोला जुड़वा विश ट्विस्ट, तो मैंने कहा कुछ तो अलग होगा, क्योंकि एक हैवी इंसान और एकदम पतला, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा. फिर जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी. फिर उसके दौरान हमने स्टार्ट किया मूवी को. अजय जी आपसे जानना चाहूँगा, एज अ डायरेक्टर की स्क्रिप्ट होती है, तो जो जो कैरेक्टर आपने सोचे थे, क्या ये कैरेक्टर आपने चुने, वो फुलफिल कर पा रहे हैं उस कैरेक्टर? 100% मतलब अगर आप जो मैं रोल बोल रहा हूँ कि एक हैवी वेट है, और एक मतलब गणेश जी के अलावा कोई ये रोल तो कोई कर ही नहीं सकता है. मनिंदर बहुत अच्छा एक्टर, हनीफ ने बहुत मेहनत की, नुपुर फर्स्ट टाइम लगती रही है, भाई ने हमारा साथ दिया है. आई थिंक ये आर द विनर्स, मतलब अगर कास्टिंग वाइज हम देखा जाए. नुपुर आप डेब्यू कर रही हैं फिल्म में जी, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा गणेश सर के साथ? मैं कहूँगी कि गणेश सर के साथ एक तो स्क्रीन शेयर करना, प्लस बिरजू सॉन्ग आप देख चुके हैं, इतने सारे स्टार्स हैं, गोविंदा जी ने कैमियो किया है, इतनी अच्छी फिल्म अगर मैंने देखी है, मैंने जो मुझे मिली है, मैं कहूँगी ये कस्टम मेड फिल्म है मेरे लिए, ये मेरे लिए बनाई गई थी. एंड इट्स अ ड्रीम डेब्यू, आई वुड से ड्रीम डेब्यू है मेरे. आपसे जानना चाहूँगा, आप दोनों लोगों से, आपका एंटी है, हीरो कैरेक्टर है, इसको विलन नहीं बोला जा रहा है, तो क्या मकसद है? ये तो सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट होगी मेरे लिए, और मनिंदर को मस्त टक्कर दे रहा हूँ मैं. इज एन अ फैबुलस जॉब, और आई एम एन एंटी हीरो दैट्स बीन गिवन द मोस्ट वंडरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, स्क्रीन स्पेस एंड इंट्रोडक्शन. तो ये श्रेय मैं पूरा गणेश आचार्य और अजय चंद्रोक जी को दूंगा. एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल, आप पिक्चर देखे एंड यू रियलाइज व्हाट आई मीन ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू एन एंटी विलन. ये बहुत रेयर होता है कि एक एंटी हीरो को इतना बड़ा गाना मिले, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मिले. एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट मनिंदर इज डूइंग, मतलब कॉम्पिटिशन, मतलब द ब्यूटी इज दैट आई एम गेटिंग स्विमिंग शॉट, मतलब मैं बैक चेस्ट दिखा रहा हूँ, मैं फाइट कर रहा हूँ, हमारे लिए एक्शन ही पॉइंट ऑनेस्टली मनिंदर और मैं एट दी एंड इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स कंप्लीट ब्रेन सीक्वेंस एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द फाइनल क्लाइमेक्स. जी अब मैंने पहले मासी ने बताया स्वामी में उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था, तो जो आर्ट फिल्म थी उसमें बड़ा सिंपल सा बेटे का रोल किया था मैंने, लेकिन आज वापस गणेश जी ने मुझे ऐसा चांस दिया कि मैं मेन स्ट्रीम हीरो का रोल कर रहा हूँ, जिसमें जो मैं हमेशा से करना चाहता था, चाहे वो एक्शन हो, रोमांस हो, डांस हो, तो एक प्रॉपर हीरो वाला ये जो कैरेक्टर होता है वो मिला है, जो शिव का कैरेक्टर है. और उसके अलावा यू नो मेरी आप इंट्रोडक्शन सीन देखिए, जितना एक्शन के साथ किया अब्बास अली बोगे जो एक्शन डायरेक्टर है, उन्होंने इतना खूबसूरती से वो पिक्चराइज किया हमारा एक्शन, हनीफ मेरा क्लाइमेक्स वाला, राहुल संजीव कोरियोग्राफर से आप गाने देखिए हमारे, तो फुल एंड फुल ऑन मतलब एक एंटरटेनमेंट फिल्म का पार्ट होना और उसमें एज अ हीरो प्ले करना गणेश जी के साथ, इतने अच्छे अल्फाज के साथ, माही के साथ, सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टोटली. हाँ जी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी खूबसूरत हीरोइन है, और फिल्म में तो मैं थोड़ा सारा सा कैरेक्टर मेरा, तो ये बेचारी मेरे पीछे पड़ी है, मैं भाव नहीं दे रहा हूँ. रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे डायरेक्टर ने कहा कि नहीं तुम्हें भाव खाना है पूरी फिल्म में, लास्ट में आप बोला, तो वही हुआ. बहुत खुशी है कि मैं एंटी हीरो प्ले कर रहा हूँ, अफसोस किस बात का है, तो नुपुर के साथ गाना
ये उल्टा हो रहा है मूवी के अंदर, ये मुझे भाव नहीं दे रहा, मैं पीछे पड़ी हुई उनके, मैं उनको मनाने में लगी हुई हूँ लेकिन ये मान नहीं रहे। और जो गोपी है, जो कैरेक्टर है गणेश आचार्य का, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं कि भाई इसको बता रहे हैं कि भाई रोमांस होता है जिंदगी में, असली जिंदगी में शायद इनका थोड़ा डिफरेंट हो, ट्विस्ट हो, बट मूवी के अंदर तो बहुत सरू कैरेक्टर है इनका। नमस्कार एवरीवन, प्लीज थैंक यू। आप यहाँ पे हे ब्रो के मेरे म्यूजिक सक्सेस पार्टी में आए, मुझे आप लोग ने जो प्यार दिया है इंडस्ट्री में, वो प्यार वापस यहाँ दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच। सर कैसी रही आपकी ये जर्नी? आई कैन अगेन सी बड़े ही खूबसूरत नए नए चेहरे लिए हैं आपने, मैं आपको तब तक नहीं मिला था वो अलग बात है। वर्किंग विद फ्रेश फेसेस, न्यू स्टारकास्ट, एन ऑसम सपोर्टिंग स्टारकास्ट ऑफ प्रेम जी, इंदिरा जी, इट मस्ट हैव बीन फन। और इस बार आपने कोरियोग्राफी खुद नहीं की मेरे को लग रहा है? नहीं नहीं, कोरियोग्राफी मेरे असिस्टेंट राहुल और संजीव ने किए, और उन लोग को मैंने बोला कि सब डेब्यू कर रहे तुम लोग भी करो, इंजॉय करो, तो इन लोगों ने भी किया है, बहुत अच्छा किया राहुल और संजीव ने। और इस फिल्म में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा रोल कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा कुछ एक्टिंग थोड़ी सी करके दिखा रहा हूँ इस फिल्म में। मैं चाहूँगा कि जो मेरे प्रोड्यूसर मेरी वाइफ है, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। विधि जी प्लीज, गणेश जी इज मिसिंग यू ऑलरेडी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विधि आचार्य जी, गणेश जी इज बेटर हाफ एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस लवली फिल्म। मैम सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा था कि आप प्रोड्यूसर हैं, सर ने तो मतलब क्रिएटिव काम संभाल लिया था, तो सब बजट में था ना, मतलब हो जाता है? नहीं, बजट में ही था। और बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, और जरा भी कभी कभी होता था ऐसा कि मैं थोड़ा सोचती थी कि बजट बड़ा हो तो गणेश मुझे ऐसे लुक देते थे, विधि थोड़ा कंट्रोल, तो वहीं मैं रुक जाती थी। वेरी गुड वेरी गुड, बट रेस्ट अश्योर्ड सर बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट बना है। एंड दोस्तों 27 फरवरी द फिल्म इज कमिंग आउट, इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिलीज, बुक योर टिकट्स नाउ। हिंदुस्तान का कोई मैच नहीं है उस दिन। दूसरे में बुलाना चाहता हूँ इस हमेशा मुझे ये बात आती थी कि भैया नए स्टारकास्ट है, नए लोग है, सब आप कैसे फिल्म रिलीज करोगे, किस तरह से? और सचमुच बहुत ही मैंने मतलब अरे नए लड़का है, नई लड़की है, आप भी नए हैं, सब किस तरह से होगा, क्या होगा। मैंने जब फिल्म बनाई और फिर इस इंडस्ट्री में दिलीप सोनी जो मेरे बहुत सालों से दोस्त है, उन्होंने मुझे मिलाया अजय बगदेड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल इंडिया के, अजय जी राजवी इंटरनेशनल। अजय जी प्लीज़ आइए स्टेज पे, आपको मैं चाहता हूँ कि आप, आपके बिना तो होता नहीं है। अजय बगदेड़ा जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, तो इन्होंने फिल्म रिलीज़ किए ऑल इंडिया और बहुत ही सपोर्ट किया मुझे, तो मैं चाहता हूँ अजय जी आइए स्टेज पर प्लीज़। अजय जी फॉर अजय जी, थैंक यू, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा मेरे इस फिल्म को जो जिन्होंने स्टार्ट किया, मेरे को प्रोड्यूसर जिग्नेश हिरानी, उनके बिना शायद ये फिल्म स्टार्ट भी नहीं होती। जिग्नेश, हे ब्रो, हे ब्रो बोल दिया, ये हे ब्रो रिलीज कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ हे ब्रो बोल दिया। बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू सर कि हम वेदर इट्स इंटरनेट, वेदर इट इज़ टेलीविजन का मीडियम, या कोई भी सिग्नल, जूहू सिग्नल हो, चित्रकूट हो, कुछ भी हो, पब्लिसिटी इज आउटस्टैंडिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग। अरे योगेश भाई, उनको तो बुलाना पड़ता है। योगेश भाई कहाँ पे आप हो? अरे योगेश भाई प्लीज, इन्होंने लास्ट टाइम मैंने इवेंट में इनको प्रॉमिस किया था 50 ऑडिंग चाहिए, इन्होंने 55 लगाया, वो तो बनता है योगेश भाई। वेलकम योगेश जी, कमेंट लगे। Great. And friends, for this lovely evening which all of us are having together, I cannot forget but thank enough Ashirwad Avenue who made this evening possible for us. Thank you. Hey bro, इस फिल्म के लिए आज जो प्रोग्राम हो रहा है, खास करके मेरे दोस्त जिग्नेश भाई, गणेश जी, आचार्य जी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस अच्छे फंक्शन के लिए मैंने पहली बार उन्होंने उनको बोला कि मैं आऊँगा। मेरा थोड़ा बहुत तो मराठी अच्छी तो हिंदी होगा, तो मैं रूरल एरिया से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये मेरे लिए पहला प्रोग्राम है, वो भी हे ब्रो है,
ऑल ऑफ यू मेरे ब्रदर के जैसे लग रहे हैं। कुछ भी मेरे लिए काम हो आगे के लिए बता दो, मैं आपको सहयोग करूंगा। थैंक यू फॉर ऑल। सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बट आपको छुट्टी नहीं मिलेगी गणेश जी, क्योंकि आप तो मेरे फेवरेट ब्रो हो। हाँ जी। लेकिन हे ब्रो है तो किसी को तो फिल्म में ब्रो बोला होगा ना, तो मिलवाइए ना उस ब्रो से, उस ब्रो की प्यारी सी हीरोइन से। हे ब्रो, ट्विंस की कहानी है। मेरा एक जुड़वा भाई इस फिल्म में जो मनिंदर प्ले कर रहा है। मनिंदर प्लीज आ जाओ। कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज? द हैंडसम ड्यूड, वू, व्हाट्स अप? और मनिंदर के अपोजिट में नुपुर शर्मा है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नुपुर, फर्स्ट टाइम फेसिंग, प्लीज कम ऑन स्टेज नुपुर। हनीफ हिलाल जो एंटी हीरो इस फिल्म में, मैं प्लीज हनीफ कम। Hey bro, अनिल पितर। Hey bro. माही गिल, please come। माही जी, माही ने friendly पर इसमें गाना किया है नाच मेरी बुलबुल, बहुत ही appreciated हो रहा है। How are you feeling माही जी today? Guys, I must tell you with due permission, माही जी has not been keeping well for a couple of days, and she has been such a support. Thank you so much। और हमारी जो माताजी है फिल्म में इंदिरा जी, मैं उनको चाहता प्लीज इंदिरा जी आई स्टेज पे। तो ये फिल्म की हमारी पूरी कास्ट है, हम लोग सब नए लोग हैं। कोशिश की हम लोगों ने अच्छी एक फिल्म बनाए सब जन ने मिलके। तो मैं आप लोग को सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ मेरे तरफ से। मैं तो हूँ ही, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर। आई थैंक द एंटायर टीम एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर 27। बट आई एम नॉट अलाउइंग मनिंदर फॉर द टाइम बीइंग एंड नूपुर टू लीव द स्टेज। सत्ताईस तारीख दिन ब दिन नजदीक आती जा रही है, एक्साइटमेंट तो जरूर होगी। अब ये नर्वसनेस वाली है या खुशी वाली है? यस नूपुर, सो व्हाट इज द एक्साइटमेंट ऑल अबाउट? तरुण, जब मूवी शुरू हुई थी तब मैं नम थी, उसके बाद मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हुई। अब नर्वसनेस का टाइम चला गया, अब एक्साइटमेंट है क्योंकि शूट हो चुकी है, अब तो रिलीज हो रही है 27 को। फैंटास्टिक। एंड दिस इज योर डेब्यू फिल्म, राइट? यस, दिस इज माय डेब्यू फिल्म एंड द एक्सपीरियंस वाज इनक्रेडिबल। इंडीड, फिल्म का जो ग्रैंडियर है, जो सॉन्ग्स और जो सेट्स एक न्यूकमर्स को मिले हैं, हम जानते हैं कि बहुत ही कम प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो वो प्लेटफॉर्म दे पाती हैं। एब्सोल्युटली तरुण, आई वुड से कि जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में मांगा था कि मुझे मेरी फिल्म से चाहिए, दो तीन फिल्मों से चाहिए, मुझे फर्स्ट फिल्म में मिल गया। गोविंदा जी डेब्यू कर रहे हैं, गणेश जी मेरे साथ मतलब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, सॉरी गोविंदा जी कैमियो कर रहे हैं, मैं डेब्यू कर रही हूँ सर। That is the nervousness I was talking about. सब माफ है, सब माफ है। So, और बिरजू सॉन्ग आप देख चुके हैं, तो बिरजू सॉन्ग में इतने सारे सुपरस्टार्स हैं, तो आई थिंक आई कुडंट आस्क फॉर मोर फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म। So I'm really very excited. Absolutely. Wish you all the very best. And Maninder, over to you now. Ladies first ho gaya. Yeah. Yaar, hero ko hota hai ki main ek hi film mein action bhi kar loon, drama bhi kar loon, romance bhi kar loon. Yaar, sab kuch ho gaya yaar. You were damn lucky. Yaar, bahut time wait kiya hai. Meri third film hai. To itne saal ki jo bhadas thi, wo is film mein nikli hai. Kyunki abhi tak bas roles kar raha tha. Chahe wo Ganesh ji ne mujhe break diya tha apni meri first film Swami, jo unka directional debut tha. तो बट इट वॉज अ वेरी सिंपल ऑफिस वर्किंग बॉय था, यू नो, तो वो बड़ा सिंपल सा रोल था। तो उसके बाद यू नो यू ऑलवेज, जब आप बॉम्बे आते हो तो आपको हमेशा एक रहता है कि भाई मुझे हीरो बनना है, डांस करना है, रोमांस करना है, एक्शन करना है। तो अगेन गणेश जी ने मुझे बुलाया, और जब उन्होंने ये बोला कि भाई ये आपको करना है, तो पहले तो कन्फ्यूजन ये हो गई कि जब उन्होंने बुला के बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और जुड़वा भाइयों की कहानी है, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, कहते कहानी नहीं सुनेगा? मैंने कहा नहीं, आपसे क्या, आप बता देना, मैं आ जाऊंगा शूट पे। तो कहते हैं कि नहीं, वो जुड़वा भाई तू है। सो नाउ आई एम अज्यूमिंग आई एम द जुड़वा भाई, तो मेरा डबल रोल है फिल्म में। फैंटास्टिक। तो कहते तेरा जुड़वा, तू जुड़वा डबल रोल नहीं कर रहा है, तेरा जुड़वा भाई मैं हूँ, थोड़ा नीचे थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। सो आई लुक्ड एट हिम, आई सेड एक मिनट, आप पतले हो रहे हो या मैं मोटा हो रहा हूँ, मुझे समझा दो, हाउ वी गोना मैच दिस। ऑलराइट गाइस, सो नाउ बेसिकली लेट्स कम बैक टू द मेन मुद्दा ऑफ दिस इवनिंग। ये एक म्यूजिकल शाम है, इस फिल्म हे ब्रो का म्यूजिकल सक्सेस सेलिब्रेट करने की शाम है। हीरो यहाँ है, हीरोइन यहाँ है, डीजे वहाँ है, एक्शन तो नहीं करवा पाऊंगा, रोमांस तो थोड़ा सा ठुमके हो जाए। टोटली, आर यू रेडी? एब्सोल्युटली गाइस, थैंक यू सो मच। एंड बिफोर वी प्रोसीड टू दिस एंटरटेनिंग सॉन्ग डांस सीक्वेंस फ्रॉम मनिंदर एंड नूपुर, आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर वसंत भंडारी ऑफ यूबी ग्रुप। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस इन दिस इवनिंग सर, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। और मैं एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हनीफ इज द एंटी हीरो, और कभी भी जब फिल्म में एक विलन के किरदार की एंट्री होती है तो ज्यादातर डिशुम डिशुम से होती है। हनीफ विल टेल यू हाउ हिज एंट्री हैपेंस इन द फिल्म, राइट? प्लीज शेयर इट।
thank you, Tarun. So good evening, everyone. Thank you so very much for being part of this music launch, the success of Hey Bro's music. And character ki baat kare to, yes, of course, sare anti-heroes ka jo character rehta hai, thoda negative or aise, you know, you contort your face or it's like really violent. And I have been extremely fortunate. Main hamesha bolta hun, this is my debut movie. And I'm not debuting as an anti-hero, I'm debuting as an actor. And anti-hero is the character in the movie. Well said. Aur, जब मैं ऑडिशन पे भी गया था, आई डिड नॉट नो व्हाट कैरेक्टर इट इज़ फॉर. और वहाँ पर गए, फिर मुझे अजय सर और गणेश सर ने बताया इट्स एन एंटी हीरो, एंड आई वाज थ्रिल्ड, आई वाज मोर देन हैप्पी टू प्ले इट. और उन्होंने मुझे बोला कि हनीफ एंटी हीरो है, लेकिन तेरी एंट्री और एग्जीक्यूशन एक हीरो जैसा है. एंड आई वाज लाइक, सर आई एम लीविंग इट ऑन टू यू, लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट. मेरा इंट्रोडक्शन एक गाने से है जो आप सब सुन चुके हो, और उस गाने में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैंने कल वो बेहतरीन फिल्म देखी है और उसके साथ एक बहुत ही सुंदर बुलबुल है आपके साथ. आई वुड लाइक टू कॉल दैट ब्यूटीफुल बुलबुल, माही जी, प्लीज मे वी हैव ऑन स्टेज वंस अगेन. फ्रेंड्स, जी इज डूइंग अ फ्रेंडली अपीयरेंस इन दिस सॉन्ग एंड शी इज लुकिंग इनडीड गॉर्जियस. आई एग्री, एंड शी इज बीन एब्सोल्युटली ग्रेशियस इन यू नो लेंडिंग हर सपोर्ट टू द मूवी. थैंक यू माही, ओवर टू यू. शी गॉट माई. Mahi ji, how was your experience? It's a friendly appearance in a song. Kaisa raha safar? It was awesome. I am very fond of Ganesh ji, aur ye mera dusra song hai unke sath is film mein. Aur main ye opportunity chhodna nahi chahti thi. When he called me ki gana karna hai, to maine bina gana sune haan bola tha. Master ji, aapko pata hai ye. Aur Rahul aur Sanjeev ne bahut achhi choreography ki hai. Aur mujhe nachne ka bahut shauk hai. Meri bahut filmon mein mujhe nachne aur gaane ko nahi milta. To item songs mein mujhe नाचने को मिलता है, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा. गाना भी बहुत प्यारा है और कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी है, एंड हनीफ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. यस, वी ऑल नो, और क्योंकि हनीफ इतने अच्छे डांसर हैं, आप इतनी अच्छी डांसर हैं, और ये गाना हिमेश जी ने और श्रेया घोषाल जी ने गाया है. हिमेश जी जो ज़्यादातर अमूमन अपनी फिल्मों के अलावा बाकी फिल्मों के लिए गाना नहीं गाते हैं, उन्होंने गणेश जी के लिए ये गाना गाया है. मैं स्टेज से बाहर होता हूँ और मैं चाहूँगा कि हनीफ और माही जी, इफ़ योर हेल्प परमिट्स मैम, can we have the bulbul song? Thank you.
Fantastic, fantastic. Thank you, Haneef. Thank you, Mahi ji. And thank you, all the lovely dancers. यार से गलती हो गई, यही गाना अगर मैंने कुछ 14 फरवरी से पहले सुना होता ना तो अपनी गर्लफ्रेंड को यही बोलता, नाच मेरी बुलबुल के पैसा। मेरा नाम तरुण है, चला दो यार एक दो बार। ओह, आई वाज फीलिंग सो लेफ्ट आउट, ट्रस्ट मी। लव यू ऑल, लव यू ऑल। उदित जी सर, बिरजू जब आपको गाना आया गणेश जी से अजय जी के साथ, सर डिड यू नो अबाउट द म्यूजिक वीडियो? सबसे पहले तो मैं, नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं गणेश जी और भाभी विधि जी को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत फिल्म बनाया, क्योंकि बहुत चर्चा है, हर आदमी बोलते हैं कि क्या फिल्म बनी है, और म्यूज़िक तो सुपर डुपर हिट हो गई है। आप सब लोगों को कंग्रेचुलेशंस, और मुझे बहुत खुशी है कि आई हैव बीन इंटरटेनिंग यू ऑल ऑलमोस्ट 3 decades। वाओ, यस, That calls for a big round of applause. Still, I am looking 25 years old man. मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है कि sounding, मतलब 25 साल का लड़का गा रहा है ऐसा मुझे महसूस होता है। लोग कहते हैं, ये सच है या झूठ है? जी सर, बहुत सच। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हे ब्रो जैसी फिल्म बनी है, टाइटल है, स्टार कास्ट हैं, इसके बहुत हर चीज़ नंबर वन हुआ है। और मैंने गणेश जी को कहा कि आपकी ये फिल्म नंबर वन ही होगी, म्यूजिकल सुपर डुपर हिट होगी, और ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो मुझे थोड़े भेज दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास गाने कम है। लेकिन एक है, लेकिन 100 के बराबर है, बिरजू है सर। तो प्लीज़, आपकी टीम आपके साथ है, हमारी ऑडियंस बेकरार है, मैं बेकरार हूँ। आप दुआ करिए कि 3 decades और चलूँ। अरे सर, ज़रूर चलेंगे सर, हो जाए, बिरजू हो जाए प्लीज, उसके बिना तो श्याम अधूरी रह जाएगी हमारी। फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट हर्ड बिरजू, बाय चांस उन्हें माफ किया जाता है, और ट्रस्ट मी दिस रैप पार्ट इज गोना रॉक यू अवे। थैंक्स मैन। Udit Narayan, Nitin Soni, Pranavats, Nazy, and Master G, the biggest guy. When I say hey, woo, you say bro. Bro. Hey, bro. Hey, bro. When hey, I say bro. Hey, you say bro. Hey, bro. Hey, bro. Thank you so much. Thank you so much. Peace and love. Hey, bro. 27th. Thank you so much. Thank you so much. Sir, ab aaye ho sir, phas gaye sir. Birju ke bina main chhodunga nahi sir. नहीं, बिरजू तो मेरा डांस बनता है, इन लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, अगर मैं डांस करूंगा तो इन लोग सब बोलेंगे इवेंट ठीक नहीं था भैया। सर आप नहीं करोगे तो बोलेंगे कि इवेंट ठीक नहीं था। नहीं नहीं, मैं ऑफ कोर्स नाचूंगा, मैं बहुत खुश हूँ, जब तक है जहाँ मैं नाचूंगी। थैंक यू सो मच सर, माइंड ब्लोइंग। मतलब अब जो कन्फ्यूज होंगे ना यार, 27, अच्छा अरे अब 27 कब आएगी मेरे भाई। हे ब्रो टाइगर, ठीक है ना? मैं थोड़ा ब्रेक सर, इफ इट विद यू परमिशन, टाइगर आई वांट यू अप हियर प्लीज, मेरे को मार पड़ेगी इफ यू आर नॉट हियर। गाइस, टाइगर श्रॉफ, गेट रेडी विद योर व्हिसल्स, व्हिसल बजा। टाइगर, लवली हैविंग यू हियर। टाइगर, हाउ हैज योर इवनिंग बीन गोइंग? मतलब बकवास के अलावा मेरी, Master Ji is a very big part of whatever little I've achieved. So thank you so much, Master Ji. Thank you so much. Or you're doing a fantastic job hosting. Thank you so much, Tiger. I'm very shy. I'm not good at talking. So I'd like to dance for you now. Yeah, your steps to your talking. Guys, big round of applause. Yes, please. All right, guys. This is the surprise package.
Fantastic, fantastic. सर बिरजू तो आई गवा, अभी बिरजू को कोई नहीं रोक सकत. थैंक यू सो मच टाइगर, दैट वॉज लवली 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 हैविंग यू ऑल हियर. इट्स ऑल थैंक्स टू मास्टर जी. आई मीन द फिल्म इज अ बिग सक्सेस ऑलरेडी, आई कैन टेल यू दैट. म्यूजिक से ट्रेलर से लेकर म्यूजिक, आई मीन जितना बोलो उतना कम है इनके लिए. थैंक यू सो मच मास्टर जी, थैंक यू सो मच. गाइस प्लीज कीप योर विशेस, योर ब्लेसिंग्स, योर लव, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही प्यार से बनाई गई है. हर फिल्म बहुत प्यार से बनाई जाती है, बहुत मेहनत से बनाई जाती है, और इंडस्ट्री को मास्टर जी से बहुत प्यार मिला है, और मास्टर जी को इंडस्ट्री से बहुत बहुत प्यार मिला है. प्लीज 27 फरवरी को जाइए और इस फैमिली एंटरटेनर को, जो फुल ऑन बॉलीवुड मसाला फिल्म है, देख के आइए ना यार. 27 थैंक यू. ओके गणेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हे ब्रो का म्यूजिक बहुत हिट हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इसमें बस हिट हो गया इसलिए हम यहाँ पे हैं. और हम लोग सबने कहा मुझे कि आपका म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो म्यूजिक फिल्म रिलीज से पहले सक्सेस पार्टी बनती है म्यूजिक, तो मैंने कहा ठीक है आप मैं करता हूँ, आप देखिए सब. और हम यहाँ पे सब आए, टाइगर यहाँ पे आए, मेरे सब आर्टिस्ट यहाँ पे, और थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब यहाँ पे है, और क्या बोलूँ. टाइगर आपने ट्रेलर देखा, कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी सर, खासकर ट्रेलर, म्यूजिक, सारे प्रोमोज. जैसे मैंने पहले कहा, आई एम वेरी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इनके लिए, क्योंकि आई ओ अ लॉट ऑफ माई सक्सेस टू जो भी मैंने कमाया इनकी वजह से, खासकर क्योंकि ही इज़ द कोरियोग्राफर विसल बजा, बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ हीरोपंती. तो इफ ही वॉज इन देयर देन आई डोंट थिंक वो इम्पैक्ट नहीं होता विसल बजा की. तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इनके लिए, थैंक यू सो मच. टाइगर, अगर बॉलीवुड में आपसे पूछा जाए कि हे ब्रो अगर किसी को कहना होगा, तो बॉलीवुड में आपका ब्रो कौन होगा? मेरा ब्रो बापू, माई डैड, आई लव माई डैड, ही इज़ माई ब्रो. मूवी लॉन्च से हटके है, लेकिन सिंस आप सब इस मूवी, इस फिल्म इंडस्ट्री के एक पार्ट है, सेंसर बोर्ड ने रिसेंटली एक यू नो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो उन्होंने निकाला है, दैट शुड नॉट बी यूज्ड इन मूवीज. सो हाउ मच डू यू ऑल फील इट विल बी अ रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि एक बहुत छोटी छोटी सी वर्ड्स है जो नहीं यूज हो सकते. नहीं देखिए, सबसे पहले ये तो बात करूँ, मेरी जो फिल्म है हमेशा मैं पुष्पा कृष्णा कृष्ण बनाता हूँ, वही बहुत फैमिली वाली होती है. स्वामी बनाई थी मैंने आठ फिल्म, मनोज बाजपेयी, जूही चावला, और ये फिल्म मैंने अभी 5 दिन पहले रखा सेंसर के लिए, और उन्होंने मुझे एक भी बिना कट किए पूरा मेरा सेंसर उसी दिन मुझे मिला. तो मेरी फिल्म हमेशा फैमिली वाले होंगी. मैंने ये फिल्म बच्चों के लिए बनाई है, और जब भी मेरे बैनर में मिलेंगी वही मिलेंगी, मुझे बाकी का नहीं पता कि किधर क्या हो रहा है. दैट्स मैं दिल से कह रहा हूँ आप लोग को. नहीं, लेकिन आपके हिसाब से आपको लगता है कि सेंसर को ऐसा निकालना चाहिए, दैट इन स्पाइट ऑफ गिविंग ए सर्टिफिकेट देयर, सी जो कल्चर को अगर गलत होता है तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमारे अंदर कल्चर एक पलता है, हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं. एक हद तक है कमर्शियल होना चाहिए, लेकिन वो अपने जगह सही है, बाकी फिल्म बनाने अपनी जगह सही है. दैट्स व्हाई सेंसर बोर्ड जो आजकल है वो बहुत लिबरल भी है, लेकिन जो उन्होंने ऑब्जेक्शन करते हैं वो सही ऑब्जेक्शन है. वी शुड नॉट गिव, मास्टर जी राइटली सेड कि इट शुड बी फैमिली ओरिएंटेड, इट शुड बी ए फिल्म व्हिच शुड बी केटर्ड बाय द चिल्ड्रन एज वेल एज द पीपल. ज़्यादा जरूर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अवर कल्चर डजंट अलाउ दिस. कल फिल्म देखी प्रेम जी ने, अब प्रेम जी ने मुझे कहा बच्चों को दिखाओ, बच्चों वाली फिल्म है, खूबसूरत लगी ये पिक्चर, ये यू विल ऑल्सो लव इट. इनको भी दिखाएगी नहीं? हाँ ये इनको दिखाएंगे 26 तारीख को. 26 आप देखिएगा पिक्चर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा. इट्स ए वेरी यूनिक फिल्म, डिफरेंट फिल्म, और ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है आजकल बनने की, क्योंकि आप वो बहुत बड़ी स्टार कास्ट फिल्म जो बनाते हैं वो हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन ये फिल्म में एक आपको ये स्टार मिलेगा. ही इज डन अ डैम गुड जॉब. आई नो डैम गुड जॉब. ही इज डन आई बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन. आई सॉ द फिल्म, ही इज अ स्टार, ही इज अ न्यू स्टार बॉय. ही विल गिव कंपटीशन टू नो, आई एम नो कंपटीशन, गेट यू गाइस. अच्छा टाइगर, आपने विसल बजा में काम किया हुआ है, जी जी, साथ में बिल्कुल, तो आपने इस फिल्म के लिए सोचा नहीं कि मैं भी इस फिल्म में काम कर लूँगा? काश सर, पर मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ ना सर, मुझे क्यों लोग लेंगे. अगर आपने स्टार कास्ट देखी तो सर अभी तो शुरुआत है, स्टार्स देखो, मुझे पता है कितना बड़ा स्टार है. मैंने विसल बजा गाना किया उनके साथ, ये बहुत ही हम्बल है. मैंने को इनको देख के जगुदा हमेशा याद आता है, क्योंकि मैं जगुदा के साथ 25 साल से काम कर रहा हूँ. मतलब ये अभी आपने इनका स्टार्ट देखा है,
आप देखिए आगे कितने बड़े स्टेप चढ़ जाएंगे. इज अ बिग इज अ सुपरस्टार. ये हीरो एक सुपर हीरो में आ रहे हैं. इट डिजर्व दैट. आई एम टेलिंग यू. मेरी इस फिल्म में कोरियोग्राफर मैं नहीं हूँ. मैंने मेरे असिस्टेंट्स को ब्रेक दिया, राहुल और संजीव, और 7-8 साल से थे. और टाइगर भी जानता है उनको अच्छी तरह से. वो बहुत मेहनती है. टाइगर का कई हद तक गाना उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया है. तो इस फिल्म में मैंने राहुल और संजीव को ब्रेक दिया. उन्होंने मेरी बैंड बजा दी. मैं सच बताऊं मैंने एक स्टेप नहीं किया. मुझे 8-10 दिन उन्होंने रिहर्सल कराया, छोड़ा भी नहीं. बोला आपको करना पड़ेगा. मैंने एक अच्छे बच्चे के जैसा स्टूडेंट की तरह उनका साथ काम किया. डांसिंग और एक्टिंग में ज़्यादा टफ आपको क्या लग रहा है? एक्टिंग लगती है. डांसिंग तो 25 साल से कर रहा हूँ. टफ है, बहुत मुश्किल है. नया एक निकला है इनके लिए, एक नया जरिया, नया जगह बनाएंगे. जगह बहुत खूबसूरत बनाएंगे. और जब आपने देखा होगा एक हॉलीवुड में एक्टर थे जैकी ग्लीसन, वो भी बड़ा था लेकिन बच्चे दीवाने थे उसके. तो ही विल बी वेरी पॉपुलर अमंगस्ट द चिल्ड्रन. अब बच्चे देखने आएंगे तो साथ में माँ बाप भी आना पड़ेगा. बिल्कुल एब्सोल्युटली. तो दिस फिल्म वी विश ऑल द बेस्ट. और आप जरा प्रे कीजिए, दुआ दीजिए कि ये पिक्चर चले और एक अच्छा प्रोडक्शन बैनर बन जाए, अच्छा एक स्टार आपको मिल जाए जिससे बहुत लोगों का भला हो सकता है. नहीं, इन्होंने ये बैनर में पहले मीडिया ने बहुत प्यार किया. पुष्पा कृष्णा के स्वामी देखे, इन्होंने को बहुत अच्छी लगी. ये फिल्म भी आपको बहुत अच्छी लगी. प्लीज़ 27 फरवरी को रिलीज है, इस फ्राइडे देखिएगा जरूर. मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज मैंने इनके साथ मेरा दूसरी बार तीसरी बार काम किया. पहला फिल्म में गाना नॉकआउट हो गया था लेकिन दूसरी बार है इनके साथ प्रॉपर जो मैंने काम किया है. और बुलेट राजा में किया था और अभी ये किया है सॉन्ग इनकी फिल्म में. और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं बहुत अच्छी डांसर नहीं हूँ. तो लेकिन मुझे इन लोगों ने चाहा, राहुल और संजीव ने बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफी की है और फिल्म बहुत ही कमाल की बनी है. तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि 27 फरवरी को प्लीज़ ये मूवी देख कर आइएगा. जी थैंक यू सो मच सबके लिए जो सब लोग आए हैं अपनी ब्लेसिंग्स लेके. और ये फिल्म ऐसा लगता है कि पहले दिन से ही ब्लेस्ड है. पहले दिन से ही लगता है ये फिल्म ब्लेस्ड थी क्योंकि अमित जी हमारी फिल्म का पार्ट बने बिरजू सॉन्ग के थ्रू, अक्षय कुमार, अजय देवगन, प्रभु देवा, रणवीर सिंह, गोविंदा चीची जी हैं जो उन्होंने कैमियो किया. तो मुझे लगता है पहले दिन से ये फिल्म ब्लेस थी कि शूटिंग के दौरान ही हम लोगों को फील कर रहे थे कि सबका प्यार मिल रहा है. और वही हुआ कि जब ये फिल्म का गाना बिरजू बाहर आया और गाना बजा दे बाहर आया तो जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस हम लोगों को मिला है, इट इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर न्यू कमर्स लाइक अस कि यू नो हम ऐसी फिल्म का एक पार्ट हैं जहाँ इतने लोग ने इंडस्ट्री से आके उसे ग्रेस किया और आज भी आके अपनी विशेज दे रहे हैं. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी टोटली. मैं कहूँगी कि मेरी डेब्यू फिल्म है ये और म्यूज़िक इतना अच्छा बना है कि म्यूज़िक सक्सेस पार्टी हो रही है अभी और इतने सारे स्टार्स हैं मूवी के अंदर. तो मैं कहूँगी कि आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे इस ऐसी एक फिल्म से डेब्यू करने को मिल रहा है जिसमें सारी चीज़ें इतनी अच्छी है कि मुझे ऐसा लगता है ये कस्टम मेड मूवी है मेरे लिए. ये मेरे लिए बनाई गई थी तो ये एक गिफ्ट है मेरे लिए गणेश जी की तरफ से, अजय जी की तरफ से और हमारी प्रोड्यूसर साहिबा जो है हमारी विधि जी की तरफ से. जो कोरियोग्राफर हमारे राहुल और संजीव जो गणेश जी के चीफ एडी हैं उन्होंने कोरियोग्राफी की है हमारे गानों की. तो अभी आपको पता है गणेश जी का लेवल ऑफ डांसिंग क्या है, वो तो मतलब पैर हिलाएं ना हिलाएं फेस से इतना कुछ कह देते हैं कि वो फेस मैच करने में ही पूरा दिन निकल जाए. तो एंजाइटी बहुत रहती थी, घबराहट बहुत रहती थी. और हम लोगों की जो शुरुआत है शूटिंग की वो गाने से हुई थी. जो पहला दिन शूटिंग का था वो गाना बजा दे था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और बहुत ज़्यादा टेंशन में थे. इतने डांसर्स सेट और हम दोनों का पहला गाना, बट गणेश जी सेट पे थे, राहुल संजीव कोरियोग्राफ कर रहे थे लेकिन गणेश जी सेट पे थे. तो बस एक ही टेंशन थी कि पहला शॉट ठीक से हो जाए किसी तरीके से, फिर हिम्मत मिल जाएगी. तो वही हुआ, जब पहला शॉट में ओके आ गया और गणेश जी के चेहरे पे स्माइल आ गई उसके बाद हमें हिम्मत मिल गई, उसके बाद कॉन्फिडेंस मिल गया और उसके बाद बड़े स्मूथली हमने शूटिंग करी. पहली फिल्म थी, गणेश जी के साथ काम करना था, उनके साथ स्क्रीन शेयर करनी थी, अच्छी एक्टिंग भी करनी थी और डांस तो ऑब्वियसली करना था. और जैसा कि इन्होंने बताया कि पहला दिन डांस से शुरू हुआ था, मैं बहुत नर्वस थी लेकिन जैसे तैसे राहुल और संजीव ने मेरे साथ बहुत मेहनत की, मुझे बहुत अच्छी तरह डांस सिखाया, बहुत पेशेंट रहे वो, तो हो गया अच्छी तरीके से हो गया. प्लस गणेश जी जब सेट पे होते हैं तो थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है कि आपको उनके हिसाब से परफॉर्म करना पड़ता है, आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है. बट आई वुड से आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु परफॉर्म्स वेल इन प्रेशर, तो मेरे लिए वो चीज़ वर्क करी. एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस भी होती है लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा है. मेरी तो पहली फिल्म है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. लेट्स सी क्या होता है. 27 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, बस 2-4 दिन बाकी है. अच्छा, ऑडियंस से कुछ कहना चाहिए? बस ये कहिए कि हमने बड़ी मेहनत करी है, बड़ी प्यार से ये फिल्म बनाई है. तो लेट्स होप सो वी विल लोग जाएं 27 तारीख को ये फिल्म देखें. सो होपफुली लेट्स सी, आप जाइए देखिए फिल्म 27 फरवरी को एबरो और आपको पूरा मजा आएगा. ये आप हमारी गारंटी है. तो उनके साथ उनको डांस कराना वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, बट काफी मजा आया. एंड प्लीज वॉच हे ब्रो ऑन 27. थैंक्स.
ये राहुल जो हमारा कोरियोग्राफर है संजीव, ये झूठ बोल रहे कि इन्हें मजा आया। इसकी जो हेयरलाइन थी यहाँ पे थी जब शूटिंग स्टार्ट हुई थी, ये आधी गायब हो गई है क्योंकि इतना स्ट्रेस्ड हो गया था मैं डांस करा करा के, तो झूठ बोल रहा है। हाय एवरीवन, हे ब्रो, वंस मोर 27 पिक्चर रिलीज है, हे ब्रो प्लीज सब लोग जाइए देखिए, थैंक यू वेरी मच। तो राहुल एंड संजीव आप तो कोरियोग्राफर्स हो, एक दो स्टेप्स तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, कम ऑन। Baba Don Villain on the stage. Thank you so much. Thank you, Shraddha. मजा आया?
थोड़े क्लैप यार, थोड़ी तालियां बजा दो यार. Come on everyone, clap a lot. Thank you, thank you. Hi. अरे वैलेंटाइन डे है आज, कुछ तो बोलो. हे ब्रो, अच्छा इतना बोल दो. हे ब्रो, हे ब्रो, 27 फेब को आ रही है थिएटर में आपके, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जाके देखो वहां पे. लेकिन उस डांस देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग सब एक बार बोलो हे ब्रो. थैंक यू. कौन सा डांस देखना चाहते हैं आप लोग? बिरजू, बिरजू, बिरजू तू आएगा बिटवा? हमारे फैमिली एंटरटेनिंग है, आप लोग पूरी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो. आप लोग ने एबीसीडी देखी है? एबीसीडी में गोपी था, वही गोपी नहीं है, ये दूसरा गोपी है. हे ब्रो में कौन सा गाना, विच सॉन्ग यू ऑन? मजा आया, मजा आया. अभी क्या करोगे तुम? क्या करने जाओगे? कौन सी मूवी? वाओ, थैंक यू वेरी मच. प्लीज वॉच 27 फेब. हे ब्रो, थैंक यू फॉर योर लव. And happy Valentine's Day! Enjoy! Sir, आपके आने से पहले छोटा सा contest मैंने रखा था, where I called kids and youngsters to perform on the stage. तो उसके winners please stage पे आ जाओ. एक्साइटमेंट है 27th फैब रिलीज. हे ब्रो, बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे दिल लगा के हम लोगों ने, सब जन ने बहुत मेहनत की है, और जो रिस्पांस मिल रहा है, बिरजू गाना बहुत हमारा कैची हो गया इसमें, सब मल्टी स्टार है, फिर गाना बजा दे डीजे, ओ चल रहा है, फिर अभी नया गाना हम लोग का चालू हुआ नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, तो बहुत ही एक्साइट है, बहुत ही पावर पैक एकदम एनर्जी के साथ हम खड़े हैं कि हमको पता है कि हमारी फिल्म अच्छा ये करेगी, काम करेगा, मतलब लोगों को पसंद आएगी. रिजु जी, आप बताइए क्या चल रहा है दिमाग में? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये चल रहा है कि 27 फेब को पिक्चर रिलीज है और हमारी ऑडियंस को पिक्चर पसंद आया और हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है. अजय जी ने डायरेक्ट किया उसमें,
और हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और होप सो ऑडियंस को पसंद आएगी। नंबर का तो हम सोच ही नहीं रहे, हम सोच रहे कि दिमाग में है ही नहीं, आप ऑडियंस को पिक्चर बहुत पसंद आए, फैमिली ड्रामा है, हंसते हुए तो आएंगे थिएटर में से बाहर, कॉमेडी मूवी है, फैमिली ड्रामा है, फैमिली एंटरटेनिंग है, बहुत मैं कहूँगा बहुत सालों के बाद एक आपको ऐसी फिल्म, अलग थोड़ी फिल्म नजर आएगी जिसमें कॉमेडी है, भरपूर एक्शन है, भरपूर इमोशन है, ड्रामा है, आप इंजॉय करोगे। हाँ डेफिनेटली काउंटडाउन तो स्टार्ट होती है, जितनी पब्लिक देखेंगी उतना ही हमको आगे काम करने का मौका मिलेगा, अच्छी फिल्म बनाने का मौका मिलेगा। वही एंजाइटी है और एक्साइटमेंट भी है साथ में, और ये एक अच्छी बात है कि हमने 15 जनवरी को ट्रेलर लॉन्च किया था तो आज ऑलमोस्ट प्राय एक महीना हो गया, और हर फिल्म का इतना लंबा प्रमोशन नहीं चलता, हमारी 27 फरवरी को रिलीज़ है, बट हमने मास्टर जी ने तभी प्लान किया था कि इस फिल्म को मैं हर बंदे तक पहुंचाना चाहता हूं, तो हमने बहुत जल्दी प्रमोशन शुरू कर दिया था। और उसका अच्छी बात ये हुई है कि शुरू शुरू में आप जाते हो तो लोगों को अभी पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, बट बाय नाउ अगर हम मॉल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, लोगों को पता है कि बिरजू गाना कौन सा है, क्योंकि वो इतना बड़ा हिट हो गया यूट्यूब पे, जितना गाना बजाते डीजे है, हमारा ट्रेलर है, अभी नाच मेरी बुलबुल आया है, उसके ऑलरेडी मतलब कल ही कल में 50,000 ऑलरेडी हिट्स हो चुके हैं। तो जिस स्पीड से ये जो चल रही है हमारी प्रमोशन और जिस तरह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली एंग्जाइटी कम होती जा रही है, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, एंड वी जस्ट होप कि 27 फरवरी को जितना प्यार लोग अभी तक दिखा रहे हैं वो 27 फरवरी को भी थिएटर्स में आगे हमें दिखाएं। वो हनीफ ने कहा था इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता मूवी के बारे में, और ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता क्या हो जाता है इनको जब इंटरव्यू देते तो भूल जाते हैं। मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही थी जो उन्होंने काट दी, मैंने कहा था नूपुर बहुत ही ज्यादा सेंशियस लग रही है और सेंसिटिव है, एक ही प्रॉब्लम है ये बिचारी पोस्टर में मास्टर जी के पीछे जाके खड़ी हो गई, उसका दिखना पोस्टर के अंदर, लेकिन मैं मास्टर जी के पीछे खड़ी हूँ तो मैं, आप मुझे देख नहीं पा रहे, सस्पेंस मैं कहूँगी मेरी पहली मूवी है हीब्रो, तो थोड़ी सी नर्वसनेस है, पहले ज़्यादा थी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, शायद नर्वसनेस का टाइम चला गया, तो आप जैसे देख रहे हैं बिरजू डीजे बहुत वायरल हो रहे हैं, बुलबुल सॉन्ग भी आ चुका है और वो भी काफ़ी वायरल होने वाला है आई गेस, तो आई गेस सब लोगों को जाके 27 फेब को ये मूवी देखनी चाहिए, बिकॉज ये पानीपुरी है, इसके अंदर सब मिलेगा आपको, खट्टा मीठा तीखा जो आपको फ्लेवर चाहिए आप उसमें से ले सकते हैं, एक्शन है, कॉमेडी है, और इसमें गणेश जी खुद एक्शन कर रहे हैं, तो ये तो आपको देखना ही बनता है, तो जाइए प्लीज एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ 27 फेब को केप्रो। पानी पूरी खाएंगे तो डकार आएगी ना, डकार चाहिए ना पानी पूरी, बिल्कुल पैसा वसूल है, पैसा वसूल, पैसा मतलब वही बेसिकली नूपुर चाट भंडार हेब्रो, अजम हो गया आपको हेब्रो चाट भंडार, एक्चुअली हेब्रो चाट भंडार, अजय थोड़ा इसकी डालिए फिल्म पे, हां एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, बहुत मेहनत की सबने, गणेश जी ने, प्रोड्यूसर ने, बहुत इनके अपना फाइनेंशियल इनपुट्स एंड हर चीज़, मनिंदर का, नूपुर का, हनीफ का, तो जितना मज़ा मुझे इस पिक्चर को बनाने में आया मुझे यकीन है आप सबको वो देखने में आएगा, एंड प्लीज़ 27 फेब को जाइए पिक्चर देखिए हेब्रो, थैंक्स। कमाल की पिक्चर है, मैं पहले भी बहुत से बार बोल चुका हूँ और यही वापस कहने वाला हूँ कि अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो हेब्रो तो देखनी ही देखनी है, लेकिन अगर आप म्यूज़िक के दीवाने हो तो इस पिक्चर का म्यूज़िक कमाल का है, डांस के दीवाने हो तो अगर आप डीजे गाना देखेंगे, बिरजू गाना देखेंगे, बुलबुल गाना देखेंगे, दिस ब्यूटीफुल डांस इन द मूवी, अगर आपको एक्शन देखना है तो गणेश सर का है, मनिंदर का है, मेरा है, नूपुर का भी एक्शन है इस पिक्चर में, और कमाल का एक्शन किया है, and there is a lot of emotion in it, तो ये भेलपुरी पिक्चर बोल सकते हो, and it's brilliant, if you love action, music, dance, comedy, emotions, Hebrew is a movie you have to watch, और जब इनका action खत्म होता है फिर मैं action और cut बोलता हूँ, जी बिल्कुल, इनका भी और मुझे भेलपुरी है, पानीपुरी, मैं नहीं, मुझे और एक चीज़ कहनी है, that this picture has newcomers, तो मैं चाहता हूँ that आप हमें सराहे और नए talent को बढ़ावा दे, और गणेश सर ऑल्सो इज अ न्यू कमर वेन इट कम्स टू एन एक्टर, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब हमें न्यू कमर वाला ही प्यार दें, एंड प्लीज गो वॉच द मूवी एंड शो योर सपोर्ट एंड लव, 27 फरवरी को पिक्चर रिलीज होने वाली है, हे ब्रो, 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 27 फरवरी को हे ब्रो, सुपर, हैप्पी होली, सेफ होली, कलर को संभाल के खेलिएगा, कलर बहुत अच्छे, जिंदगी में कलर होते तो बहुत अच्छे होते हैं, और लेकिन कलर आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेके आए, हैप्पी होली, हैप्पी होली, सेफ होली, प्लीज वॉच 27 फैब।
यहाँ पे क्यों आए आप लोग? होली खेलने के लिए। होली तो नहीं है, आप लोग टी शर्ट और सब बहुत अच्छे लग रहे, सब व्हाइट व्हाइट लग रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कलरफुल होने वाले हैं। अच्छा एक मिनट पहले आराम से थोड़ा बच्चे पीछे हो जाओ, आराम से स्लो स्लो, धक्का नहीं मारना, आराम से आराम से आराम। अच्छा टीवी पे आप लोग मेरी आवाज ऐसे सुनते हैं, आवाज एक्चुअली अमरीश पुरी जैसी ऐसी है, बदल के बदल के बोलता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा सब बच्चों को कुछ भी पूछो तो उनका एक ही जवाब होता है हे। गणेश सर ने कहा कि कैसे आप लोग सारे गए हे। ओके ये सारे मुझे लगता गांधी जी के भगत हैं, हे राम पूरा बोलने के लिए। सब आपको बहुत बहुत होली की बहुत बहुत मुबारक, और सब लोग सफेद कपड़े पहन के आए हैं आज जिसके ऊपर हे ब्रो लिखा हुआ है, तो सारे ब्रो समझ के एक दूसरे के ऊपर रंग लगाएंगे। हम आई है इस मुंडेर पे बैठा एक काला क्रो, छह मार्च को देखो हे ब्रो, छह मार्च को होली है तो पता नहीं चलेगा कौन कौन देखने गया होगा, सबके मुंह पे वो रंग लगे होंगे है ना, तो काले पीले सब लोग होके जाएंगे, लेकिन जरूर जाएं, सात को जाएं, आठ को जाएं, एंजॉय द फिल्म, ऑल द बेस्ट टू यू। हेलो, अरे मैं आपको पहचान गया, आप बच्चे हैं ना? ओके अच्छा इनको खींच इसके रहे, इनको पता चलेगा कि ये लड़का है लड़की नहीं है ना। चलो ठीक है सारे होली आर यू रेडी फॉर द होली, चलो फिर होली खेलते हैं। बच्चे लोग मुझे तुम लोग ना दिखने रहे हो, थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ मैं सबको देख पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा संभाल गया, आहिस्ता 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 आहिस्ता, सब बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप लोग प्यार करते हो ना, यहाँ मेरे लिए आए हो ना, तो मेरी बात सुनोगे ना, थोड़ा थोड़ा पीछे जा, पीछे हो जा, आहिस्ता आहिस्ता, मैं सबको देखना चाहता हूँ, सबको सबको आहिस्ता आहिस्ता जाओ जाओ जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ, आते हुए बच्चे पीछे चले गए, वो मुझे दिख रहे हैं ये नहीं दिख रहे, थोड़ा जाओ पीछे बच्चे लोग, जाओ पीछे जाओ जाओ और जाओ जाओ। ओके अच्छा आप लोगों ने मेरे फिल्म का ट्रेलर देखा है? वहां पे वहां पे देखा? अभी क्या करना चाहते हो आप लोग? अभी डांस नहीं देखना चाहते हो? कौन सा गाना? नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। डांस
स्कूल हाई स्कूल कल्याण लुक एट द एवरी एवरीवन जी मेरे को एक स्टेप से मुझे सिर्फ ही स्टेप आता है और कोई स्टेप आता ही नहीं है मेरे को लेते के उसमें यही करता रहता हूँ हर बार इधर जो कुत्ता होता है उसको भगा देता हूँ इधर जो मच्छर होता है उसको मार देता हूँ और कोई स्टेप ही नहीं आता मुझे प्लीज ये स्टेप इतना बड़ा हिट है कि मैं कोई भी स्टेप करूँ उसके सामने फ्लॉप है ये कुत्ती का बहुत बड़ा स्टेप है लेकिन फिर भी मैं सुनील को एक स्टेप सिखा सकता हूँ बिरजू गाना बजाओ करना चाहती हूँ ये है हेब्रो मूवी के डायरेक्टर अजय चांदोक प्लीज पुट योर हैंड्स सर का तो इंट्रोडक्शन आई मीन आई डोंट इवन नीड टू से एनीथिंग मेक सम नॉइज ये है प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म विधि आचार्य सर बेटा हाफ एंड दिस इज द वेरी गॉर्जियस एंड हॉट माही गिल के रैपर आर्या ओ गल सुन ओ ला 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 मेरी गल सुन डू यू लाइक दैट एंड द नेक्स्ट ऑन लाइन आर वेरी फेमस लेट इट डू द सुनील बट यू नो व्हाट यू वी लाइक टू कॉल हिम ओके गणेश सर मैं क्या बोल रही थी पूरी टीम यहाँ पे है और एक ये सेल्फी का जमाना है तो क्या हम एक सेल्फी कर सकते हैं सबके साथ उसके पहले इस राहुल और संजय जो कोरियोग्राफर है उनको तो इंट्रोड्यूस कर राहुल एंड संजय और इस फिल्म के गाने जिसने लिखे हैं वो है प्रणव अज ओके और फिर कलर
gorgeous. Nupur Sharma, hello. Hello, hello. आ जाइए मेरे पास आ जाओ. Hey bro. Hey bro. हाँ पहले ये problem है इनका. ये सबको बोलेंगे hey bro. You know फिर फिल्म और नहीं मिलेगी. Bro bro मत कर किसी के साथ. Anyway, हाँ hey bro. अच्छा फिल्म का नाम. Anyway, so आप बताइए कि आपकी ये पहली फिल्म है, कैसा रहा आपका experience? मेरी पहली फिल्म है ये. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. जब मैं ऑडिशन पे आई थी तो मुझे पता नहीं था कि ये फिल्म मुझे मिलने वाली है. और जब गणेश जी ने मुझे खुद फ़ोन किया शाम को कि नूपुर आप शॉर्टलिस्टेड हो, आपके साथ मूवी करना चाहेंगे हम, तो मैं बहुत खुश थी. और पूरी जर्नी मेरी मूवी में खुश थी. मूवी करके खुश नहीं रही, ऐसा क्यों है? मूवी करके और खुश हो गई मैं. अच्छा, थैंक गॉड. तो एक्चुअली तो आप बताइए कि इनके साथ जो रोमांटिक सीन्स आपको करनी पड़ी, मतलब वो कहाँ से वो फीलिंग आई, कैसे आई इन? एक्चुअली एंडी, रोमांस बहुत ज्यादा नहीं है. आपका कुछ सामान गिर गया. ये मेरा सामान. एक सेकंड मैं यहाँ रख लेता हूँ इसको, फिर बाद में देख लेंगे. तो बताइए, ये आप मूड में लग रहे हो थोड़े. आप नीचे क्यों देख ये लो. आप नीचे मत देखो, आंखों में आंखें डाल के. रोमांस की बातें होनी थी, रोमांस की. मैं मुझे ये बताओ कि देखो, जब आप इनकी शक्ल में शक्ल को देखते हो तो आप रोमांटिक फीलिंग्स कैसे लेके आते हो? बड़ी अच्छी एक्टर है ये, है ना? नहीं, ऐसा मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सॉरी. हाँ, तो कैसे लेके आई वो फीलिंग्स? मैं सिर्फ इनकी आंखों में देख रही थी. अच्छा, इनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं. ओह, एक्सप्रेशंस आंखों में. कहीं और से इन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे जब वो, you know, वो अलाउड नहीं था हमारी मूवी में. वो फैमिली मूवी. कहां से? कहां से? एक सेकंड. सो होते हैं बहुत सारे एक्सप्रेशंस प्यार में. मैं यहां पे आपको सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको पूछने आया हूं कि कहां से आते हैं एक्सप्रेशंस, बताइए. आंखों से ही दिए. आंखों से. ठीक है, ठीक है. तो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर हीरोइन.